इस कहानी में ये दोनों बचपन से ही जिगरी दोस्त हैं। इसमें से एक दूसरे को मारने जा रहा है। कुछ बोलना चाह रहे थे ना, बोलो भाई। आप मैनेजर बनने के बाद ही तो मालिक बने हैं ना? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? अपनी गाड़ी को 6 टायर होने के बावजूद स्टेफनी है ना, तो फिर एक एक्स्ट्रा ड्राइवर भी होना चाहिए। भूल के कौन है यार? नए ड्राइवर ने छुट्टी ले ली, पूजा के लिए भी नहीं आया। कल रूट के लिए क्या करेंगे? वो सब मैं देख लूंगा, तुम अच्छे से घर जाकर के पूजा करो, चलो जाओ। अच्छा ठीक है। भैया आ गए। ला मुझे दे। जरा हटो माँ, सब लेके आया ना। ये क्या लेके आया है? कंपनी में पूजा करके वही प्रसाद लेके आया है, नया खरीद के लाता ना। वहाँ पर भी पूजा की थी, यहाँ पर भी पूजा करनी है, भगवान थोड़ी ना खाने वाले हैं। भैया भगवान की फोटो बड़ी और नई तो ले आते ना। भगवान कौन से साइज के है तू जानती है? नामक कल के हनुमान ही 18 फीट के हैं, बाजू वाले मंदिर के हनुमान 1.5 फीट के हैं। भगवान के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है छुटकी, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, भक्ति मायने रखती है। भगवान उतने ही बड़े होते हैं जितना हमारा दिल बड़ा होता है। देखा ना, तेरा भैया कितना बड़ा कंजूस है। माँ भैया को कंजूस मत कहना। हाँ? कंजूसों का बाप कहना। राशन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम कमलेश है, कंजूस का बाप नहीं। हे भगवान। लो आरती लो। चने और फल नहीं लिए ना, इसलिए 500 रुपए बच गए। इन पैसों को कंजूस के बाप के बहन की शादी के लिए जमा करो। खरा सोना है मेरा बच्चा। सही है, पकड़े गए तो कंजूस, नहीं तो सोना बेटा। जैसी माँ है वैसा बेटा है। ए ड्राइवर नहीं है इसलिए मैं टेंशन में हूँ, और तू बॉल खेल रहा है। जो भी बात करनी है डायरेक्ट बात करो, इनडायरेक्ट नहीं। भाई सुबह 5:30 बजे ट्रिप पर जाने के बाद भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा, अब इतना लेट जाएंगे तो कंपनी के लिए क्या कलेक्शन कर पाएंगे? अपने हाथ से मेहनत करोगे तो बैग भर के कमाओगे, पेट भर के खाओगे। अपना अपना काम ठीक से करोगे तो आने वाले खुद आ जाएंगे। एकदम सही बात है। बॉस आओ ना, बॉस आओगे काम करोगे तब वापस जाओगे ना बॉस। देख लिया ना, तूफान की तरह आया। अरे आओ ना बॉस आओ, इसके साथ जाएंगे तो कलेक्शन भी जबरदस्त होगा। गाड़ी सुपर चलाएगा, आज का क्या कलेक्शन होगा वो देखता हूँ। आपकी जुबान में। अरे जाओ जाओ, वो उड़ा जा रहा है, भागो जल्दी पकड़ो। अरे बाप रे, अरे भाई कहाँ जा रहा है? अरे रुक, अरे रुक। ये क्या? ये तो गाड़ी गली गली में घुसा रहा है। अरे बाप रे, इसे रोको। रुक रुक रुक, भाई किधर जा रहा है? अरे रुक जा। अरे क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा है? पहाड़ की चोटी में बॉस, ये शॉर्टकट है। ऐसे में तो तू ऊपर पहुंचा देगा। ए, इस तरह पागल कुत्तों की तरह हमें गली गली में क्यों भगा रहा है मेरे भाई? चल चल बस स्टैंड पे चल अभी। मत। आइए 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 आइए, बता दे आइए आइए आइए, तुरंत आइए 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 आइए, फटाफट जाएगी बस, आइए आइए जल्दी जल्दी जल्दी। ए कोटा जी, कोटा जी यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, बस स्टैंड पूरा खाली लग रहा है, कहाँ गए सब? हमसे पहले जो बस वाला आया वो सबको ले गया लगता है। सुबह 5 बजे उठा था, सब बेकार हो गया, यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो गया है। अब टिकट किसको बेचेंगे? ऐसा है, इतना टिकट तुम्हारे हाथ में है और टिकट की क्या जरूरत? टिकट मतलब यात्रियों की टिकट। प्यार से बात करो ना। ए इसे भगा यहाँ से, वरना किसी पर चढ़ा देगा गाड़ी ये। बस
सिंगल आदमी हाथ दिखा रहा है, रोको क्या? एक आदमी होगा तो भी टिकट टिकट है, आमदनी आमदनी है। एक वोट के फर्क से आदमी हारता जीतता है। ये तो लाज उठाने वाली गाड़ी की तरह एकदम धीरे धीरे चल रही है। क्यों भैया, पलनी के लिए कितने बजे की गाड़ी है? बस ये पूछने के लिए तुमने गाड़ी को रोका था। अरे भाई, आप बस स्टैंड से आ रहे हैं, आपको पता होगा, इसीलिए आपसे पूछा। हमें एक पैसेंजर ने मिला सोचकर हमारा पेट जल रहा है। हम बस स्टैंड से खाली आ रहे हैं और तुझे पलनी के लिए गाड़ी कभी है, तिरुपति के लिए गाड़ी कभी है, सूचना देने के लिए हम यहाँ आए हैं क्या? ऐसा बहस छोड़ो, इस आदमी को बस के अंदर ले लो, टिकट के पैसे मिल जाएंगे। ए बेवड़े, तेरे मुंह पे एक दिन ग्रीस नहीं लगा है ना, तो मैं भी क्लीनर नहीं। ए डाली से अंदर। ए पलनी चल, अरे पलनी मेरा नाम नहीं है, पलनी जाना है मुझे, मुझे जबरदस्ती। कौन से गांव जाना है ये बताओ, लंबा रास्ता है। मुझे जबरदस्ती क्यों गाड़ी में चढ़ा लिया, मुझे पलनी जाना है। ये क्या, तेरे पास 50 रुपए है, मेरे पैसे दे दो मुझे। अरे भाई, जबरदस्ती टिकट क्यों दे रहे हो? एक टिकट तेरे लिए है और तूने हमारा जो टाइम वेस्ट किया ना, तो बाकी टिकट फाइन है। अरे सूखे केकड़े की औलाद, ये पैसे चले गए ये सोचकर उदास नहीं हो रहा हूँ मैं। इतने पैसे तो मैं अपने गांव में मुर्गियों को खिलाने में खर्चा करता हूँ नालायक। बैठो बैठो, चुपचाप बैठो, कोई आएगा तो टिकट लेके पैसे वापस दे दूंगा, देखते तुम्हारा लक कैसा है। मेरा लक छोड़ो, बहुत अच्छा है मेरा लक। उधर देखो, पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, सबको बस में बिठाओ, उनसे पैसे लो और मेरे पैसे वापस करो। जल्दी करो। क्या यार, एक भी आदमी नहीं चढ़ा। अरे उसको चढ़ाने के बजाय गाय को चढ़ाते तो कम से कम दूध तो मिलता। निकाल फेंको उसे बाहर। पता चल गया था, ये निकल बाहर, गाड़ी है, कोई नहीं चढ़ा। यही तेरा लक है क्या? दूंगा एक झापड़। भाई मैंने सोचा कि पूरे गांव के लोग तुम्हारी बस में चढ़ने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा बैड लक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तू क्या बोल रहा है? हाँ यार, मैंने सोचा तुम्हारा कल्याण करवा दूंगा। अच्छा तो तू वो है क्या? मैं लोगों की शादी करवाता हूँ यार, मैंने सोचा कोई अच्छी लड़की आएगी तो तुम दोनों का कल्याण करा दूंगा। पहले तू अपनी शादी का बैंड बजा, फिर हमारे बारे में सोचना, ठीक है? इस गधे को ये भी पता नहीं है कि मेरी शादी कब की हो चुकी है। ये अलग बात है कि मैंने अब तक सुहागरात नहीं मनाई। एक काम करो, ये टिकट ले लो और मेरे पैसे दे दो। रुको रुको, दो चार लोग आएंगे तो बाद में देखते हैं। चार लोग क्यों आएंगे? लगता है ये लास्ट होने वाली ही गाड़ी है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, मुझे नहीं जाना है, गाड़ी रोको, रोको। क्या बात है यार, इतनी सारी सवारियां मिल गई एक साथ, भर भर गई अपनी। कंडक्टर, इतने सारे लोग आ गए ना, अब तो मेरे पैसे दे दो। रुको यार, देता हूँ, बैठे रहो। अच्छा मीडिएटर कौन है? ये देखो, ये है ना। ये है क्या? आपको इससे अच्छा कोई मीडिएटर नहीं मिला? वो सब छोड़ो, दूल्हा कौन है? वो पीछे बैठा है। ये है। अरे ये तो लड़की को देखते ही दांत दिखाकर पीछे हट जाने वाला आदमी लगता है। मैना जैसी दिखने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी खराब करती है भगवान। अरे मैं नहीं हूँ, कंडक्टर वहाँ खड़ा है। बहन बस रोक रही होगी नहीं। अरे बस रोको, बस रोको, प्लीज प्लीज बस रोको। क्या हुआ, कहीं नहीं रोनाना, इतनी प्यारी है तू, क्या हुआ ये बताना। विजय जैसी मर्दांगी, अजित जैसा हैंडसम, कमल हासन जैसे सीना, रजनीकांत जैसे हीरो, पावर पावर इसके क्या करूं मैं, इसे प्यार करना आए ना। मैया मैया कैसा पति मिल गया। तुझको जानू तुझको अपना पावर में, वक्त पे दिखलाऊंगा, वक्त पे दिखलाऊंगा, वक्त पे दिखलाऊंगा, खुद को ना हीरोइन समझ, हीरो मैं बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। सूरत न देख मेरी, देख मेरा दिल, ये टाइम तो आने दे, थोड़ा सब्र कर ले, फिर तुझे दिखलाऊंगा मैं मुझ में कितना दम है, फिर तुझे दिखलाऊंगा मैं मुझ में कितना दम है।
ऐसे न भाई अपनी बेइज्जती करा तू, बेइज्जती करा तू, बेइज्जती करा तू। तू भी तो मर्द है, जा इसे दिखा तू, जा इसे दिखा तू, जा इसे दिखा तू। किसको मना ले, ये घर की लक्ष्मी है, शादी की है तूने, तेरी मर्जी है। पर गले पड़ी मुसीबत तो निभानी पड़ेगी, अब ये जिम्मेदारी तुझको उठानी पड़ेगी। भाई मंगलसूत्र ये पहना है तो यही है मेरा अब देवता। प्यार तुझसे कितना मुझे, मेरे भी दिल तू जानना। मान जमान भी जा, कब से हूँ मना रहा, कब से है मना रहा, कब से है मना रहा। देख ले कैसे तेरे नाज भी उठा रहा, नाज भी उठा रहा, नाज भी उठा रहा। ओ यारो देखो कोई कैसे तमाशा, ये शादी करके फंस गया बेचारा। ये बहुत चढ़ा ले तू हर गम की ये दवा है, अपन को तो यारो इसमें ही मजा है। प्यार हुआ शुरू, चलो चलो तुम तो अब कर दो कुछ शुरू। छोड़ो 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 ले गिरे, आओ अब तो मिल लो प्यार से गले। छोड़ो 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 ले गिरे, आओ अब तो मिल लो प्यार से गले। विजय जैसा कौन है, ये मेरा हीरो। अजीत जैसा कौन है, ये मेरा हीरो। कमल जैसा कौन है, ये मेरा हीरो। रजनी जैसा कौन है, अरे मेरा हीरो है रे। अरे वो तो दोनों खुशी से साथ में जा रहे हैं, तू बीच में क्यों पड़ता है, हा? उठाओ इसे। चलो 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 जल्दी बस में बैठो, चलो भाई चलो। अरे पापी लोग, मुझे पहले नहीं जाना था, तुम लोगों ने उठाकर पानी में डाल दिया। बॉस दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, सबको मारना है क्या? नहीं बॉस, मैं बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ। निकल यहाँ से। ए बॉस देखो हाथ मत उठो, मेरी भी इज्जत है, मुझे मारोगे तो गाड़ी कौन चलाएगा बोलो। ए लोगों को कैसे पहुँचाना मैं जानता हूँ, तू चल निकल यहाँ से। कंडक्टर भाई साहब, आप बस में चढ़ जाइए। मार कर भगा दिया तो आप गाड़ी कौन चलाएगा? चिंता मत कीजिए, मैं ही टिकट काटूंगा, मैं ही चेक करूंगा, मैं ही बस चलाऊंगा और आप लोगों को सही सलामत छोड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक्स भाई। हेलो हेलो, चक्रवर्ती बस कंपनी से बोल रहे हैं? चक्रवर्ती बस कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं पैसेंजर हूँ, कुल्ली मलाई रूट में जो बस चल रही है ना, उसका कंडक्टर हिला हुआ है। हिला मतलब? मतलब वफादार, मेहनती, भरोसेमंद। तो फिर मैं भी हिला हुआ हूँ। यहाँ सबके सामने बिंदास सिगरेट पी रहे हो और दिखाने के लिए ऊपर से बोर्ड रखा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा कैरेक्टर। सब कुछ जानने के बाद जो करता है उसी को समझदार कहते हैं, और अगर कोई कुछ नहीं करता इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, कंडक्टर का बैग फट चुका है और पैसे होल से गिरते रहते हैं। अरे ये सब चीजें कभी ना कभी तो फटती ही रहती हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे फट गई तो फट गई, और कोई परेशानी तो नहीं है ना? और भी परेशानियां हैं। तो उसे दिल में क्यों रखा हुआ है, बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो? कल से ड्राइविंग का काम मैं करूंगा, आप कंडक्टर के लिए किसी और को रख लो। देखो भाई कमलेश, तुम्हारे जैसा कंडक्टर मिलना हमारी कंपनी के लिए नसीब की बात है। कल किसी तरह उस ड्राइवर को समझा दूंगा, तुम बस एक दिन संभाल लो, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। एक मिनट भी एडजस्ट नहीं करूंगा उस बेवड़े के साथ। ठीक है, इसी समय ड्राइवर को हटा देता हूँ, चलो जाओ। थैंक्स। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ हम बोला,
तेरी यादें मिटाने को तुझे भूल जाने। अरे यार परशुराम तू क्या रे वे सड़क में तूने मेरी बेइज्जती की है? क्या समझता है तू अपने आप को हीरो? ये सारे मेरे आदमी हैं, तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने फुल सेटिंग की है। मैंने इन चारों को पिलाया है क्वार्टर मिला के वाटर, अब ये तेरे को उठा के फेंकेंगे। ए देख के रे मर इसको मर। गुंडों से पिटवा रहा है, सबको मार के भगा दिया। चल चलते हैं। अरे तू शैलेश है ना? अरे हाँ यार मैं वही हूँ। तेरा एड्रेस ढूंढ के मैं तुझी से मिलने अपने गांव से इतनी दूर आया हूँ। मेरा शैलेश ही होगा यही सोच रहा था मैं, लेकिन फाइट ढंग से नहीं कर पाया यार। आधी रात में कॉमेडी मत कर यार, भूख लगी हुई है। चल घर चलते है ना। टेंशन मत ले, बिना हिचकी खा। Hey, कौन है ये बार बार इधर उधर दौड़ रही है? अरे छुटकी है अपनी बहन मेरी, बचपन में मिला है तू उससे। अरे बहुत शर्माती है। अच्छा अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। What can I do for you? आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? क्या है रे ये तो पटाखे की तरह फूट रही है। भैया बोल, भाई है तेरा। अरे अरे बस बस माँ बस बस हो गया। ले बेटा ये ले, तू भी ले। हाँ ठीक है खुद ले लूंगा। 15 साल पहले देखा था तुझे, कितना बड़ा हो गया है, चेहरा वैसा का वैसा है। दादाजी कैसे हैं बेटा? 2 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए। उनके गुजरने के बाद से मैं अनाथ फील करने लगा हूँ। हम लोग है ना, तू टेंशन क्यों लेता है? सोच में क्यों पड़ गया बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूज। तुझे ड्राइविंग आती है क्या? हाँ अच्छे से आती है। फिर क्या, तुम लोगों को एक ड्राइवर चाहिए था ना, तेरे मालिक को बोल के इसको वही नौकरी पे लगा दे। चलो चलो। पी कर देखता हूँ ठंडा है कि गर्म है। क्या चल रहा है यहाँ पे?
है, क्या हुआ यार? ये किसी को ना उतरने दे रहा है ना चढ़ने दे रहा है। हाँ अंदर से रॉड लेके। हाँ तू गया आज? चलो भाई छोड़ डालो साले, तू उतरता या नहीं? कंडीशन ठीक नहीं है भाई। अच्छा ये बता, मैं बैटिंग सचिन की स्टाइल में करूं या फिर धोनी की स्टाइल में? आप रॉड से भी बैटिंग करते हैं? और नहीं तो क्या? तो आप एक बात ध्यान में रख के बैटिंग करना, हमें तो बस विकेट चाहिए। आप बस अपने स्टाइल में धोइए। ऐसा बोल रहा है? जल्दीबाजी में एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई मेरी लुंगी दबाए हुए है भाई। आज के दिन मैंने चड्डी नहीं पहनी हुई है, झट करके उतरूंगा, फट करके सीन बदल जाएगा। मैंने कहा था ना सीन बदल जाएगा, केकड़े समझता नहीं क्या? सुनो भाई, इस केकड़े के साथ रहोगे तो नुकसान में रहोगे। हे, ये रुको, रुको भाई, किसी के पास बस का पुराना कल्याण के पास है। हे देनो प्लीज यार, मुझे दे देना। अरे मैं नहीं दूंगी, प्लीज दे देना। ये सारे टिकट मैं अपने पापा को दिखाऊंगी, तब वो अगले महीने के लिए पैसा देंगे। हे, मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। 100 रुपया? एक टिकट के या दो टिकट के? सिर्फ एक टिकट। ए, जल्दी करो, जल्दी ए, सीटी बजाना। अरे अबे लंगूर की औलाद, तू किसे घूर रहा है? हाँ ये है, किसे देख रहा है ये? तुझे फूल के अलावा दूसरी कोई खुशबू पसंद नहीं आती क्या? अरे क्या यार फालतू में डायलॉग बाजी कर रहा है। अरे वाह, तितली आ रही है। आइए 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 आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए, आइए आइए मैडम। मर गया, मजनू की औलाद, यहाँ ताड़ने के बजाय बस में ले जाके गोद में बिठाना आपने। सही है बेटा, लगे रहे, चलो चलो। अरे चढ़ना। शुक्र है, मुझे तो लगा सुहागरात मना के छोड़ेगा। टिकट। क्या है ये? तुम अगर दोगे तभी तो मैं लूंगी ना। क्या बोल रही हो, क्या देना है मुझे? कल मैंने तुमसे 500 रुपए देके ये टिकट खरीदा था, बाकी पैसे तुम कल दोगे ऐसा लिख के दिए थे। कल 500 रुपए मुझे दिए थे? मैंने तो लिख के नहीं दिया। ये झूठ बोल रहे हो, ये देखो लिख के दिया था, ये देखो। कल तुमने शराबी ड्राइवर को गाड़ी मत चलाना बोल के मार के भगा दिया था। तुम खुद ही गाड़ी चला के, तुम खुद ही टिकट दे के, तुम खुद ही चेक करके, तुम खुद ही 500 रुपए लेके लिख के दिए थे, और वो टिकट ये है। तू भले ही सच बोल रही है, लेकिन मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, तो मैं नहीं दूंगा। ए कंडक्टर, पैसे देगा कि नहीं? मैंने तुमसे पैसे लिए ही नहीं, तो मैं तुमको वापस क्यों दूं, बताओ? अच्छा नहीं देगा तो उसे पैसे कैसे लेने, मुझे पता है। ए ड्राइवर, गाड़ी रोक। तुझे तो मैं देख लूंगी। गाड़ी में ऐसे ही जा रही थी, बहुत अच्छा किया। देख लो देख लो, जा रही है तो जाने दे ना। क्यों समझ रहा था ये तो लड़ाकू मुर्गी है। सुनिए, आपका फोन बज रहा है, आपका कंडक्टर बहुत ही फ्रॉड है। उस दिन तो तुमने अच्छा बोला था। उस दिन तो बहुत अच्छा था। हाँ। मुझसे 500 रुपए लेके आज कह रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए। मुझे बाकी पैसे वापस नहीं मिले तो कलेक्टर के पास जाके कंप्लेन करके कोई भी रूट में तुम्हारे बस को चलने नहीं दूंगी। ए, मुझे धमकी मत देना। हाँ, तेरे 500 रुपए तेरे पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं भी हिला हुआ हूँ। ये ले रख ले। ये किस लिए? इसलिए हमारी बस में आने जाने वाली एक लड़की से तूने 500 रुपए लिए है, उसे बेवकूफ बनाया, और ये गलत बात है। किसने बोला? ऑफिस में मैं मैनेजर हूँ, एक जगह से दूसरे जगह बस कितनी देर में जाएगी, कितना कलेक्शन मिलेगा, कितने पैसेंजर उतर रहे हैं, इस सब के लिए मैंने आदमी रखा हुआ है। इसलिए झूठ मत बोलो, ये पैसे लो और जाकर उस लड़की को दे दो, कंपनी का नाम बदनाम मत करो। क्या मतलब, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मालिक, वो क्या है ना मालिक, आज की तारीख में हमारे देश में आधे कंडक्टरों की याददाश्त चली गई है। आप बुलाकर डाटा कीजिए ना, तब देखिए सब लोग कैसे मुंह खोलेंगे। अबे ले जाकर देना। ए, तुझे भी भरोसा नहीं है? मुझे क्या पता, मैं तो पीछे मस्त गाना गा रहा था यार। क्यों इल्जाम लगा रहा है? मैं ये षड्यंत्र दो लोगों का है, दोनों में से एक को तो देख ले। पहले एक को देख ले, फिर दोनों को देखना। हिमालय पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा लग रहा है, ऊपर पहुंच गए, अब देखता हूँ। अरे रे,
क्या मस्त सो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा ही वेट कर रही है। अरे रे, गहरी नींद में सोई हुई है, कैसे उठाऊं? पानी छिड़क कर उठाता हूँ, चुपचाप उठ जाएगी, अपना काम बन जाएगा। वहाँ पानी है, ले लेता हूँ। देखो तुझे, बीवी उधर है और सास पे डोरे डाल रहा है, शर्म नहीं आती? नहीं पता चला। कैसे नहीं पता चला तुझे? अंधेरा था। तुझे आवाज नहीं सुनाई दी थी हमारी? सुनाई दिया था। फिर क्यों नहीं उठाया तूने? तुम्हारी बेटी ने कहाँ उठाने दिया, बिना सोचे समझे कपड़े की तरह धो डाला मुझे। हे भगवान, इन सब में कुछ कमी रह गई थी, अब किस लिए तू यहाँ पर आया है? क्यों आया पता नहीं चला क्या? अबे तू उसके लायक है ही नहीं, तुझे बताया था ना? वही साबित करने के लिए तो मैं आया हूँ। एक बात सुन, कितनी बार समझाया है 3,29,000 रुपया लेके आ, फिर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखना, समझा? ये कौन सा हिसाब है? हाँ वो ना, आटा पीसने वाला, एक इडली बनाने वाला, दूसरा आखिर में मुंह में डालने के लिए, तीसरा, हाँ इस सब का बंदोबस्त कर फिर आना। माँ जोर से मत चिल्लाओ, पापा सुन लेंगे। ए पागल तू चुप कर, तुझे इस पर बहुत तरस आता है, ये तरस खाने लायक नहीं है, इसका थोबड़ा तो देख जरा। अच्छा चांस है हम दोनों भाग चले क्या? अरे मर गया। मीडिएटर बोल के इस घर में घुसा था, तुझे अच्छा सा पति दिलाऊंगा ऐसा बोला था ना? तुझसे बात करके तेरे लायक जोड़ी दिलाऊंगा ऐसा कहा था ना इसने? तुझे पटा के शादी भी कर ली इसने, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं इस पापी ने? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी बात तो समझो। अबे चुपचाप यहाँ से चला जा। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी? देख लिया ना जाने मन, मैंने पूछा कि क्या कर लोगी तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे गाल पर झापड़ जड़ दी तुम्हारी माँ ने। तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हारी माँ को आज सबक सिखा देता, तुम्हारे पिताजी को बोलूँगा, वही तुम्हारी माँ को सबक सिखा सकते हैं। हमारे बीच में प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। अरे ये औरत है, तू कसाई है, दामाद की इज्जत ही नहीं करती है, कैसा धो डाला मुझे इसने। अभी और पिटेगा क्या तू? मैं भी तुमको डरा सकता हूँ, तू अंदर चल, अगली बार आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। टिकट 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 टिकट, वो चश्मा पहन के बैठा है ना मेरा पति, इससे चश्मे वाले से टिकट ले। अरे किससे पैसा लूं, यहाँ पर तो 3 चश्मे वाले बैठे हैं। टिकट 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 टिकट। ये तो फिर से आ गई। ए मेरे पैसे कहाँ हैं? मैंने ना कोई पैसा लिया ना तुमने दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कहता कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि तू क्या बोल रही है। अरे ड्राइवर आराम से चलाओ, मारोगे क्या? टिकट टिकट टिकट। तू अभी मुझे जानता नहीं है, बाद में तेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे मेरी माँ, मुझे बेवकूफ बना के मेरे पैसे छीनने वाले का ना मुँह कुत्ता चाटे, बिल्ली चाटे, भेड़िया चाटे, बैल चाटे, गाय चाटे, तोता चाटे, कबूतर चाटे, कौवा चाटे। अगर ऐसी बातें करेगा ना तो फिर 1,000 रुपए निकाल। किस लिए? 500 रुपए बोल रही थी ना? जब तुमसे 500 रुपए मांग रही थी तो तुम मुझे डांट रहे थे, अब फाइन निकालो। हेलो, मुझे बेवकूफ बना के तुम 500 रुपए लेने की कोशिश कर रही हो, इसलिए बोल रहा था। अब क्या मान रहा है? बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हुए हैं, इसकी तो बर्बादी होनी चाहिए। कंजूस बेवकूफ बन गया। ए, बूढ़े लोगों की टिकट क्यों लेता है यार? ऑलरेडी वो ऊपर जाने की टिकट लेकर बैठे हैं यार। हाँ हेलो, ये लो, तुमने श्राप दे के पैसे दिए ना, रख लो। अब तो मैं पहले मालिक से पैसे लेकर जल्दी आओ, खाना खाते हैं, बूढ़े होने तक यही चलाऊंगा। सबके सामने आई लव यू लिख के देगा तो कौन लड़की लेगी? किसने बताया आपको? इतने सारे लोगों के सामने आई लव यू लिख कर देगा तो कौन सी लड़की लेगी? चलो पैसे निकाल। मैंने ऐसे लिख के ही नहीं दिया। चलो नोट दिखा। ए, ये क्या लिखा है? ए, बोलना। अबे मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं यहाँ करके क्लीनर का काम करता, कंडक्टर नहीं बनता क्या? मैं पैसेंजर्स को देखता हूँ, तू लड़कियों को देखता है? ए शैलेश, तू बताना यार इनको क्या हुआ। मैंने आई लव यू लिखा, बोल रहे हैं ये। आई लव यू मैंने नहीं लिखा, यही बता। मुझे क्या पता यार, पेन तो तेरे पास ही है ना। मैं तो खाली बस ही चलाता हूँ।
सब लोग साजिश कर रहे हैं, एक एक को मैं देख लूंगा। तू हमेशा सबको देखता ही रहता है, मुझे बेवकूफ मत बना, मैं सब समझता हूँ। ऐसे ही बस कंपनी का मालिक नहीं बन गया हूँ मैं, मुझे बेवकूफ मत बना, जा। क्यों जी, हलवा नहीं है, फूल भी नहीं है। क्यों री, मेरी हालत तो देख, अयप्पा भगवान का व्रत रखने पर 48 दिन का उपवास होता है, लेकिन मैं तो 4 महीने से उपवास पर हूँ। अरे मैं शुतुरमुर्ग की तरह घूमते रहता हूँ, रोज रोज मर मर कर जीता हूँ, तुम्हारी माँ ने ऐसी हालत बना दी मेरी। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ मुझे कुछ नहीं पता माँ, इन्होंने ये दिखाता हूँ बोल के यहाँ बुलाया था। चुप कर, मुझे सब पता है। आज ये भद्रकाली मेरी क्या हालत बनाई। क्यों दामाद जी, क्या है सासू माँ, आज काम पे नहीं गए? आज हमारा काम बंद है सासू माँ। बंद मतलब? मालिक ने कहा कि आज के दिन काम नहीं करना है। तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, चल यहाँ से। ये तो मेरे पीछे जिंदगी की तरह पड़ी रहती है, मेरी बेटी के पीछे पड़ रहती है और मार देती है। हे भगवान मुझे बचाओ, कहाँ जाऊँ, कोई बचाओ मुझे। बाप रे, शैलेश भाई अरे पैर क्यों छू रहा है? इज्जत दे रहा था। मैनेजर की गाड़ी में स्टेप नहीं होगी, जा जल्दी से लेके आ उसे। कौन, मैं? हाँ यार, अगर जरूरत हो तो कमलेश को भी लेके जा। वो तो मालिक के साथ सेटिंग कर रहा है। कब बताया था? अरे वो तुझे दूसरे बस का टिकट दिखाकर बेवकूफ बना गई। तो चेहरा देखता रहा, टिकट नहीं देखा। उस बस वाली लड़की पर लट्टू होकर पुरानी टिकट के चक्कर में फंस गया है वो, पता है? ये तो मुझे पहले ही पता था। देख, जैसे उस लड़की ने तुझे इम्प्रेस्ड किया, वैसे ही तू उस लड़की को इम्प्रेस करके पटा ले, जैसा मुर्गा मुर्गी को पटाता ना उसी तरह। आ, तो आ थोड़ा सा और है। अपने मैनेजर साहब मुझे बता रहे थे इम्प्रेस करो इम्प्रेस करो, यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लड़की के दिल में जगह बनानी पड़ती है, उनको पसंद आए वैसा काम करना पड़ता है। मेरे भाई, वैसे तू किस चिड़िया को फंसाने के लिए जाल बिछाने की सोच रहा है? उधर देख। अरे अरे अरे, पता नहीं दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे अरे, इतने लोगों को मैंने आइडिया दिया है, लेकिन आज क्यों नहीं सूझ रहा है? इसकी तो बस दिमाग चल जाए, फिर मैं तेरी शादी करके ही रहूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक, आइडिया दिमाग में आ रहा है। अरे आ गया, रुक रुक रुक, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अबे तू इस बुड्ढी को लेके क्या कर रहा है? इंप्रेस कर रहा हूँ। बड़े बड़े नेता भी बुड्ढियों के सहारे ही बड़े आदमी बने हैं। आराम से, वरना लुढ़क जाएगी। मैं तो खुद ही सीढ़ी चढ़ के भगवान को मनाने जा रही थी, मुझे उठा के नीचे उतार लाया, फिर से कैसे चढ़ के भगवान को मनाऊंगी? तेरा सत्यानाश हो। तू इधर आ। दादी, हीरो जैसे एक जवान लड़के ने आपको उठाया, आपको मजा नहीं आया? का स्मार्ट नॉनसेंस, इडियट, स्काउंडरल, क्लोज योर माउथ। Bloody nonsense! इस बुढ़ापे में अब बार बार कैसे उतरूंगी और चढ़ूंगी? बड़ा आया ये। ये सब क्या हो रहा था? ओ, तुम्हारे वजह से तो हो रहा है ये सब। इस साले ने तुझे इंप्रेस करने के चक्कर में मुझे कंप्रेस करके रख दिया। उतरो उतरो उतरो, 5 मिनट बस रुकेगी, चाय नाश्ता करना है तो उतर जा। आ, 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 दीदी। आ, पापा। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो तुम दोनों? अरे वाह, कितना अच्छा दिख रहा है, ये चाहिए क्या? तो इसे बात करो ना। चलना चाय पी के आते हैं, फ्री है ना तू? जाके उठा लाओ इसको, मैं शादी करवा दूंगा। मैं जरा इसके लिए जा रहा हूँ। देख भाई, संभाल के जाना, वहाँ पे 2 भूत है, तेरी उंगली भी नहीं छोड़ेंगे, फंस मत जाना। तू जाके चाय पी, मैं जरा होके आता हूँ। ठीक है, जाओ। मैं जिसको चाहता हूँ उसी को ये लोग भी चाहते हैं, क्या नाटक है ये? क्या कर रही जमाई रे, गाना गाए रे, मैंने ये दिल तो तुझको दे दिया। I have to tell you, I got a guy like a Ramana Dane. Bonga. My mother has come to take me into his Hapsala Dane. Bonga. Dil pe teer chala ke gayi. Bonga. Madhosh kare adaye teri. Bonga.
के हाथ में भी बज गई घंटियां, जब से चढ़ी तेरे प्यार की मस्तियां। मीठी मीठी बातें प्यार की, हाँ मेरे यार की, ना भूलू मैं कहीं। किसका भला ये है चर्चा, खुल के बता। दिल पे तीर चलक गई, मदहोश करे अदाएं तेरी। तुझे दिल दे दो, ऐसे कैसे कह दो, अपने मन की बात समझ ना आए मुझे। बड़ी मुश्किल है, उलझा दिल है, कैसे एतबार करूं कोई बतलाए मुझे। ना डर तू, लव कर तू, आजा जरा, पकड़ के छोड़ूंगी मैं नहीं। कान्हा मेरी राधा हूँ मैं तेरी। कैसे दिल दे दूं, कैसे हाँ कह दूं, तू है बेगानी अनजानी अभी मेरे लिए। जल्दी तो मत कर, थोड़ा सा सबर कर, जाने दे तू वक्त, फिर सोचूंगा मैं तेरे लिए। ऐसे नहीं मानेगा तू, दिखलाऊंगी गोरी गोरी चिकनी कमरिया मेरी। हाँ मेरी राधा मैं हूँ तेरी। अपन के हार्ट में भी बज गई घंटियां, जब से चढ़ी तेरे प्यार की मस्तियां। मीठी मीठी बातें प्यार की, हाँ मेरे यार की, ना भूलू मैं कहीं। किसका भला ये है चर्चा, खुल के बता। ये क्या बच्चों की तरह चला रहा है? आज तक मैं साइकिल सीख ही नहीं पाया। ऐसे आदमी ही मुझे चाहिए। क्यों, काम क्या है? वहाँ देख, वो मेरी सास आ रही है, बैग में 10,000 रुपए लेकर आ रही है। ठीक है भाई, तू जाकर उससे वो बैग छीनकर भाग जा। हाँ भाई। फिर मैं तेरे पीछे चोर चोर करके चिल्लाते हुए भागूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद
वो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, वहीं पर तू रुक जाना और वो बैग मुझे दे देना, मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा और मुझे बचेंगे सिर्फ 8,000। ये डीलिंग चलेगी ना आपकी तो जय हो भाई, जल्दी से अपने काम पर लग जा। ये कौन सा काम करने जा रहा है तू? बैग छीनने जा रहा हूँ भाई। तो उसके लिए बनियान क्यों उतारी तूने? भागते वक्त कोई मेरी बनियान पकड़ लेगा ना। हाँ तू मेरे पास काम करने के लायक है, अब जा काम पे लग जा। एक नंबर का कार्टून है। ये क्या हो गया तुझे? आशीर्वाद ले रहा था भाई आपका। अरे आशीर्वाद मत ले, जल्दी जा वरना वो निकल जाएगी, मैं तुझे बहुत मारूंगा, जा। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अरे अरे क्या हो गया? मेरा बैग लेके वो भाग गया दामाद जी। भगवान की तरह तुम प्रकट हो गए, अब जाओ मेरा बैग लेकर के आओ दामाद जी। मुझे भगवान बोल रही है? अगर उस चोर को पकड़कर बैग वापस दे दूंगा तो सासू माँ मुझे भगवान की तरह मानेंगी। सासू माँ मैं अभी बैग लेकर आया। धीरे धीरे भागेगा तो सासू माँ को शक हो जाएगा। गधे तो आप चाहते हैं कि मैं फास्ट भागू? यही ना। हाँ मैं भाग जाता हूँ। अरे तो बहुत तेज भाग गया, अब मैं सासू माँ को क्या जवाब दूंगा? अरे सासू माँ वो आपके 10,000 रुपए लेकर भाग गया। अरे दामाद जी उसमें पैसे नहीं थे, खाली पानी रखा था मैंने। क्या सासू माँ आपने तो प्यारी से कहा था कि मैं घर से 10,000 रुपए लेकर बाहर जा रही हूँ। अरे तू तो घर के बाहर हर समय घूमता रहता है ना, वो मुझे पसंद नहीं था। मेरे घर से जाने के बाद तू मेरी बेटी के साथ पिक्चर देखने जाने वाला था ना, इसीलिए मैंने तुझसे झूठ बोला। ये मर्दों के दिल की बात पता नहीं औरतों को कैसे मालूम पड़ जाती है भगवान। दामाद जी बोलिए सासू माँ। गाँव के वैद्य जी का घर जानते हो ना? जानता हूँ सासू माँ। मर गया। वहाँ जाके पट्टी बंधवा के मेरे घर आ जाना मेरा प्यारा चोर दामाद। फेसबुक और ट्विटर में गलत प्रचार किया है मेरे बारे में, कोई भीख भी नहीं दे रहा मुझे। यहाँ पे घर दिख रहा है वहाँ ट्राई करता हूँ, तुम्हें बाद में बुलाता हूँ डार्लिंग। माँ जी खाने के लिए कुछ रहेगा तो दे दो माँ जी, भूख से जान जा रही है। कल की बासी इडली रखी है, लेके आऊँ? जाने वाली जान भूख से ही जाने दो। माँ तुम दिमाग इस्तेमाल नहीं करती क्या, उसे बासी इडली दे रही हो? वो लोग तो आजकल पिज्जा खाते हैं, बासी चावल सुबह ही खाना चाहिए था ना। होटल वाला बासी चावल फ्राइड राइस बोलेगा तो खरीद लोगी, लेकिन घर पे फ्राइड राइस नहीं बना सकती, बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी। अब ठीक है ना, छोड़ ना, फ्राई करके लाती हूँ। छोटे ये थाली मेरे हाथ में है, इससे अच्छा तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। क्या बोला रे, तेरी तो नजर ये रे। क्यों मारा उसको? रंगोली बना के थाली यहीं छोड़ गई। माँ अभी तक नहीं गया, बताता हूँ अभी कहाँ गया तू। कहाँ है, किधर है तू? छोड़ इसे, छोड़ छोड़ छोड़। क्या लफड़ा है? कुछ नहीं बेटा, भिखारी के साथ झगड़ा कर रहा था। ए, तू चल अंदर। भिखारी को भी नहीं छोड़ा तूने? मेहनत करके नहीं खा सकता है क्या? कंपनी ने पहले महीने के पगार दिए, इसलिए आपके लिए और संध्या के लिए ड्रेस लेके आया हूँ। हाय। दे दे, मैं खुद ही देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। भाई ये तेरा, भाई को थैंक्स बोल। थैंक यू जी। भाई बोलने में प्रॉब्लम है क्या? इसे पकड़ो। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मैं किसी को भैया नहीं कहूंगी। क्यों छुटकी? अगर मैंने किसी को भैया कहा तो वो भी कंजूस हो जाएगा। फालतू का दिमाग लगा रही है। ठीक है छोड़ ये सब, ये हमेशा झगड़ा करते हैं। अच्छा सुन, मेरे और इसके लिए कपड़े लाया है, कमलेश के लिए नहीं लाया? उसके लिए उसकी होने वाली बीवी खरीद देगी ना। होने वाली बीवी? बता कौन है वो नसीब वाली? एक्सक्यूज मी, जरा आप यहाँ आइए, यहाँ पर बैठिए, एक जरूरी मैटर में बात करनी है। इस बस के अंदर दो टेररिस्ट बैठे हैं, जरा उन्हें ढूंढना। कहाँ है? यही भीड़ में कहीं बैठे होंगे, ढूंढो ना। एक औरत मुझे देख के हंस रही है। अरे वाह, तुम तो बहुत शार्प हो। और क्या है? एक लड़की भी मुझे देख के हंस रही है। अरे वाह मजा आ गया, वही लोग हैं, उन्हें छोड़ना मत।
जाओ। स्टॉप इट। अरे क्या? अरे माँ। हे कंडक्टर, पुलिस को बुला के ले आओ। क्यों? अरे वाह, इतनी स्पीड। मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है, जाता हूँ। इस बस में दो टेररिस्ट हैं, उनके अलावा सब उतर जाओ। जल्दी उतरो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, उतरो। कहाँ जा रही है तू? रुक जा। ए पुलिस को बुला। कमलेश बुलाने गया है। कमलेश भैया, ये सब क्या है? जल्दी आइए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ माँ? क्या है ये सब? बोला था बहू से मिलवाएगा, ये लड़की तो बकवास ही करे जा रही है। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा टेररिस्ट है तो। अरे वो लोग टेररिस्ट नहीं है, तुम्हें ये दोनों अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे मैं इसको बोल रहा था माँ, पैर छू नहीं सकती क्या? नमस्ते आंटी। बस कर, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर, मेरी रानी बेटी। आखिर मिली, देखना कितनी सुंदर है ये। अरे माँ, 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 ये चुम्मा तेरे लिए, तेरी माँ के लिए नहीं है। माँ पीछे ही है, वो बता रही थी। अरे मर गया। अरे क्यों माँ से इतना डरते हो तुम? अरे वो है ही ऐसी। आज मेरी माँ का खून कर दो, ये लो, माँ को खत्म कर दो, दोनों खुशी खुशी रहेंगे। तू सच बोल रही है? हाँ, और क्या? अभी खत्म करके आता हूँ मेरी प्यारी। सासू माँ, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। सासू माँ। कौन है बे? अरे दामाद जी। मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। काटने आया है? ले काट, काट मुझे, काट, काट। इस हाथ से काटूंगा। काटेगा मुझे? ले काट ना। छोड़ो कि तो काटूंगा। काटने वाला है। दिन भर से मजाक के लिए मैं ही मिली थी क्या? एक कमजोर जगह देख ली, वहीं मारती रहती है। ये क्या हुआ? माने से कहीं का नहीं छोड़ा। ए, कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ को काटा क्या? अरे रे, एक हफ्ते के लिए नॉट रीचेबल, इसको ध्यान से रखना, अपनी माँ के साथ ही सोना। हाँ, माँ, माँ, मैनेजर आए हैं। कौन है? हाँ, तुम्हारे पावर स्टार आए हैं, देख लो। क्यों रे, अपने पापा का ही मजाक उड़ाती है? तो क्यों करूँ माँ, पूरे दिन कंपनी में काम करते रहते हैं, तो ऐसे ही बुलाऊंगी ना। बचपन से इसे सारी सुविधाएं मिलती रही है ना, इसलिए मेहनत और पैसे के बारे में क्या जानती है। तू चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले, मैं ऐसा ही रहूंगा। इनके पापा बस में कभी चढ़े ही नहीं, और ये बस कंपनी के ओनर हैं। आज तेरे पापा को कंपनी में ड्रॉप करके कार में कॉलेज चली जा। रोज तो बस में जाया करती थी, आज कार से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? हाँ, रोज बस में जाकर वहाँ कौन सी लव स्टोरी होती है ये बता रही थी। तो क्या हो गया? अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? शादी की उम्र में ये सब देखेगी तो बेटी बिगड़ जाएगी ना। किसने कहा कि देखने से बिगड़ जाएगी? है, जब वो देखेगी नहीं तो बिगड़ेगी कैसे? आपको तो बताना ही बेकार है। हेलो, बस रोक दिया कहाँ पर? ये ले बैग पकड़। बस रोको, बस रोको। ए, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? गाड़ी क्यों रोकी है? यूनियन की परमिशन के बिना तुमने मुझे निकाला घर से। बोलो। मेरे मालिक के आने के बाद बात करते हैं, मैंने फोन किया हुआ है, ठीक है? रुक जाओ तब तक। अरे शांत हो जाओ। शांति शांति। अरे चुपचाप रहो, शांत हो जाओ, शांत रहो। हमारे काम हमें लौटा दो। हां, क्या हो भाई, सब रोड पे चले आए? क्यों भाई, क्या हो गया है? भाई, यूनियन के मेंबर को ही यहाँ काम नहीं है, और आप बिना मेंबर वाले आदमी को यहाँ ड्राइवर का काम दे दिए है। इस बात को लेकर यहाँ के सारे ड्राइवर शोर मचा रहे हैं। मेरा ड्राइवर यूनियन का मेंबर होना चाहिए, यही ना? हाँ भाई, ठीक है। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। ये तो मालिक की बेटी। ये यहाँ पर? ए, रोक, तेरी तो कहाँ भागता है तू? रोक। Huh?
माँ जी। हाँ? यहाँ पर एक आदमी आया था। क्या बोल रहा है तू? माँ जी इसी तरफ आया, आपने देखा क्या? नहीं देखा। क्या हुआ भाई? माँ जी इसी तरफ आया। क्या बात है सर, क्या पूछ रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, एक आदमी इस तरफ आया है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, यही पूछ रहा था मैं। माँ जी को दिखाई नहीं देता। क्या कहा, ये देख नहीं सकती? हाँ सर। फिर से बचकर भाग गया वो। बात क्या है सर, आप पूछ क्यों रहे हैं? रुकिए रुकिए, बताता हूँ मैं। सुनिए सर। हेलो, एक मिनट, मैं कर्नाटक पुलिस में ऑफिसर हूँ। एक मुजरिम का पीछा कर रहा था। अच्छा अच्छा, आईडी कार्ड दिखाऊंगी अपना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। करते हैं। कहाँ चला गया वो? सॉरी, आराम से। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अरे बाप रे, ये यहाँ पर? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? घोड़ा। कौन था वो? ये बेंगलुरु में एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है। तुम्हें देख के भाग क्यों रहा है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुमसे पैसे लेकर तुम्हारा काम नहीं किया क्या? वो तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले बेटे की शादी के बारे में बात करते हैं। गाड़ी में बैठिए। महीने में एक बार तो आता हूँ, उसके बाद भी इतने लफड़े, क्या सोचा है तुमने? क्या बोले तुम्हारी लड़की? कम से कम उसको तो एक अच्छा जीवन मिलने दो। क्यों, अभी क्या कमी है? अच्छा जीवन नहीं है क्या? हाँ अच्छा नहीं है। भाई बेटी क्या बोलती है? उससे क्या पूछना है, हमने जो कह दिया वही होगा। माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा दूल्हा कौन होगा मैं बताऊंगी। कौन है वो? अपनी बस कंपनी में काम करने वाला कंडक्टर। क्या कहा, अपने पास हाथ बढ़ा के पगार लेने वाला ही तुझे मिला क्या? मेरे होने वाले पति बैठ के खाने वाले नहीं होने चाहिए, मेहनत करके खाने वाले होने चाहिए, ये हिम्मत उनके पास है? तो कॉलेज जाती थी कि प्यार करने जाती थी? मैंने पढ़ाई के साथ साथ प्यार भी कर लिया है। फालतू में बहस करने से कोई फायदा नहीं, उसने अपना फैसला बता दिया, हमें एक फैसला करना पड़ेगा। जा जाके उस लड़के को बुला ले। ए शैलेश, मेरी लवर कौन है जानते हो? अपने बस ओनर की बेटी है वो। जानता हूँ। उसका बाप मुझसे मिलना चाहता है, चल जाके मिलके आते हैं। मुझे अपने गांव जाना है। अरे ऐसे अचानक से गांव क्यों जा रहा है तू? वो सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है। ए, पहले तू मेरा फ्रेंड है समझा ना, उसके बाद मेरी माँ का बेटा भी है तो समझा, तू साथ रहेगा तभी मैं शादी करूंगा वरना नहीं। चलना जाके आते हैं। चलना जरूरी है क्या? अबे चलना, ड्रेस बदल चल। क्या हुआ भाई? भाई वो लड़का आया है, घर आने के लिए बोलूं क्या? नहीं बाहर ही रहने दो। भाई मैं छोटे वाले लड़के की बात कर रहा हूँ और तू लंबे वाले लड़के को देखे जा रहा है? मैंने दोनों को देख लिया, ये शादी नहीं हो सकती। आप तो बता रहे थे कि वो कंडक्टर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन साथ में वो लड़का? अरे वो लड़का उसका दोस्त है। इंग्लिश में एक कहावत है, तुम अपने दोस्त के बारे में बताओ और मैं तुम्हारे बारे में, यही तो लफड़ा है। बात क्या है जरा ठीक से समझाना।
का अभी भी जिंदा है और ये वही है, उस लड़के का दोस्त है, और वो कैसे बचा और अब तक क्या क्या करता रहा, कौन से प्लान के साथ में है, यही सब बातें सोच रहा हूं मैं। किस लिए ये कंडक्टर इसके साथ घूम रहा है? पुलिस और कर्नाटक की सरकार को बेवकूफ बना के घूम रहा है। मतलब वो अकेला आदमी नहीं हो सकता, उस लड़के के साथ वो भी मर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस के लफड़े में बेटी की जिंदगी का क्या होगा? इस फोटो में जो आदमी, इसे कहीं देखा है तुमने? नहीं सर। तुमने? नहीं सर, नहीं देखा। ठीक है जाओ। ए, ए, पागल है क्या? ए, नमस्ते क्या सर। कर रहे हो तुम यहाँ पर? एक बार अंदर देखिए ना कौन बैठे हैं। क्या है अंदर? ये मेरी फैमिली है। गन हटाओ, हटाओ गन, पागल हो गए हो। देवराज साहब लाइन पर। देवराज, इस आदमी ने पूरे डिपार्टमेंट को कब्जे में कर लिया है। नमस्कार सर। मुंह बंद कर अपना। सर दरअसल वो क्या हुआ ना कि अपना परिवार तुझे जिंदा चाहिए तो सर, मुझे माफ कर दो सर। वो लड़का मुझे चाहिए, मुझे अपने हाथों से उसे मारना है। हाँ सर, 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 सर मेरी बात सुनिए सर। ए, 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 गाड़ियों को, गाड़ियों को, ए, गाड़ियों को। क्या करूं अब? दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या? हा? छोड़ो भाई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बेटी की जिंदगी का सवाल है। अभी जैसे आप अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं, तो मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखूंगा? हा? भाई अभी तक मैंने आपको 4 मिनी बस दिए हैं, इसके बाद सेलम टू बेंगलोर रूट में एसी बस दे दूंगा, ओके ना? आपको बस एक काम करना है, उस कंडक्टर को यहां आने को बोलिए, उसके हाथ में एक बंदूक देके उस ड्राइवर लड़के को खत्म करने बोल दीजिए। ड्राइवर को कंडक्टर नहीं मारा बोल के पुलिस के हवाले कर देंगे, उसके बाद आपकी बेटी अकेली हो जाएगी और अपनी इच्छा अनुसार शादी बड़ी धूमधाम से करवाएंगे, ठीक है ना? हे भगवान, मेरी बेटी और उस लड़के को बचा लेना। ए, अरे देख कौन आया है। अरे वाह, दोनों का टाका भिड़ी गया। शैलेश के साथ आप बात कर रही थी, शैलेश आपका कौन है? इससे बात करके मैं शैलेश के बारे में जान लूंगी। शैलेश को बैंगलोर में नौकरी मिल गई थी और ठहरने के लिए घर ढूंढ रहे थे, तभी मैं उनसे मिली। ये शैलेश एनकाउंटर से कैसे बचा वो पहले देखते हैं, और कौन किसको मारने जा रहा है वो भी देखते हैं। city ultra modern city come on bangalore cool, cool.
cool, Garden City, super fashion city, Amma Bangalore. क्यों रे, पत्थर फेंका? पासा आ? मेरे पास इतना ही है, ले जा। हाँ, पत्थर फेंका तो पैसे दे रहे हो? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। ओए ओए, बहुत अच्छा। अरे अरे, बहुत बढ़िया सर। अरे पत्थर फेंको, पैसे। क्या हुआ यार? सर ये क्या है सर, एक छोटे से बच्चे ने आपको पत्थर मारा और आप उसे पैसे निकाल के दे रहे हैं? बच्चे इस तरह तो बिगड़ जाएंगे ना, ये गलत है। छोटे, हम लोग रोजी रोटी के लिए तमिलनाडु से बेंगलोर आए हैं। इस गांव में आके इस गांव के लड़के को मार के किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता हूँ। जरूर जरूर। इतना ही नहीं, ये गलत है, ये बोलेगा तो ही रजिस्टर होगा। पीछे देखो, बोल बदमाशी करेगा, करेगा बदमाशी, बोल। आज के बाद अगर वही बोलूंगा। अरे चले। ए रुक, कहाँ भागता है, कहाँ भागता? देखा, इसके बाद से वो कभी किसी को पत्थर नहीं मारेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो इस एरिया में कभी देखा नहीं। मैं इस बेंगलोर में नया आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में नौकरी मिली है, लेकिन ठहरने के लिए रूम नहीं मिल रहा है। रूम? ए, मेरे से झूठ मत बोल, सारी सच्चाई मुझे अच्छे से पता है, बिना पैसे के गुजारा कैसे होगा बोलो। ए, इसके लिए मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। साइज क्या है? मेरी नजर में एक बढ़िया रूम है। सुनिए, ये आपकी बीवी है। नजदीक जाके बात। काय डसा रहे? तू तीनों लोग कहाँ जा रहे हो? ना मार रहा था कि। ये कौन है? मैं थोड़ा आराम से। इनको नहीं जानती हो? हम तो ना जानत। कितना चकबरू जवान है, अच्छी शर्ट है, अच्छा सा पैंट है। ऊ तो हमका दिख रहा है। का इतने दिखाता? ये नया आदमी है ना, इसलिए पूछे। हाँ, वो क्या है ना मैडम, ये जो है ना सेलफोन टावर की कंपनी से यहाँ आए हैं। डिंग डिंग, आपकी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा देंगे तो महीने का 40,000 रुपया मिलेगा। 40,000? तुम्हारा रूम कंफर्म है। आओ छोटे आओ, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। ये देखो, यहाँ किचन है, यहाँ बेडरूम है, सामने मंदिर है, ऊपर वाटर टैंक है, नीचे कुआं है, 24 आवर पानी है। अगर आपको पसंद है तो बोलिए, नीचे मार्बल भी है, तो ये सौदा पक्का समझे। घर तो बहुत अच्छा है, पसंद भी आ गया। अच्छा है। भाड़ा कितना है वो भी बता दीजिए। भाड़ा कुछ ज्यादा नहीं है छोटे, सिर्फ 15,000 रुपए। 15,000 रुपए? हाँ, मुझे लूटने है क्या? गबरू जवान, पूरी बात सुन के जा। बताता हूँ, लेकिन क्या है ना। अच्छा ठीक है, तुम कितना दे सकते हो? मैं तो सिर्फ 3,000 दे सकता हूँ। इतने बड़े घर के लिए सिर्फ 3,000? जाओ छोटे, कहाँ से चले आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, फिर से बात करो इनसे। मैंने जबान दी है ना आपको? हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपके लिए बात नहीं करूँगा क्या? ठीक है ठीक है, आपके लिए ही तो सब कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो छोटे, ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा, बस 6,000 दे देना, ठीक है ना? ठीक है। 6,000 में से रोज 200 रुपया उसके पास में दे देना। ठीक है, एडवांस दो। क्या बोल रहे हैं, उनका क्या होगा? लेकिन वो लोग तो चले गए ना, जाने वाले वापस भी तो आएंगे। जाने वाले कभी नहीं आते। ये छोटू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, किसी और की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि चुप, बस कर, बात तो करने दे, तुम एडवांस दे दो। कैसी आवाज है? पैसा बोलता है ना। छोटे, तुम कल सुबह कितने बजे आओगे? 8:30 बजे। कितने बजे शाम को निकलोगे? 5:30 बजे। इसमें कोई बदलाव तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब चलते बनो। मेरा मतलब कल आना, ठीक है? चलिए, मिला मिला, जरूर मिला। हाँ, एडवांस आधा तो बांट लेंगे, ये बात सरोज को पता न चले। दीदी दीदी, बस से जाएंगी या बाइक से? बस, क्यों? मैं लिफ्ट दे देता दीदी। क्या चाहिए तुम्हें? बस आपको घर छोड़ना चाहता हूँ। मानता हूँ कि मैं विदेश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन दिल मेरा हिंदुस्तानी है। और तो और, आप जैसी अच्छी दीदी को लिफ्ट देने में मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलो। Yeah.
अभी रोज 20-20 होगा। थैंक यू वेरी मच दीदी। मैं भी आपके रूम में आऊं क्या? ये गोपिका जिसे अपने रूम पे बुलाएगी वो बहुत स्पेशल होगा। ठीक है बाय। हे, कल से इसको संभालना पड़ेगा रे। कैसे पीना है पता है ना? उस दिन आपने पी कर मुझे दिखाया था उसी तरह ना? बोलना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। ये देख आखिरी बार देख ले, ऐसे उठा के ये है ना, ऐसे थोड़ा हिला हिला के। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा पिए, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो। अब मैं पी कर दिखाता हूँ। रुक 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 रुक, पीने से पहले एक बार ट्रायल कर ले। अभी देखिए ऐसे उठाकर फंस गया था। तूने एक गलती कर दी। कैसी गलती? हिलाया नहीं था। मिस कर दिया, हिला कर पीना चाहिए। आ, 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 ऐसे उठा के ऐसे ऐसे हिला के अच्छी बात है भाई, मिलिट्री में चले जाओ, अच्छी ट्रेनिंग है पीने की। भैया राम राम। आ गया। आपसे मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। पहले कान में से निकाल के बात कर। भैया वो लड़की सुबह 7 बजे काम पे जाती है, और वो वॉचमैन का लड़का है ना, उसके जाने के बाद आता है, पूरा दिन आराम करता है वो, शाम को फिर निकल जाता है। इस बात में कोई लफड़ा नहीं है। हाँ भाई, पर ये बात हमार बीबी के तनिको पता ना चली के चाहिए कि वो हमारे यहाँ भाड़े पे है, नहीं तो वो हमार मुंडन करवा दे। बस इतना ही ना, बहुत सिंपल मैटर है। तू एक काम कर, 1500 तैयार रख। 1500 के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? अपनी बीवी का नथुनी सोनार के पास गिरवी रख के मुझे 1500 रूपए दे दे, बाकी 1500 तू रख ले। सुपर, फंस रहा है। ए, ग्लास तो खाली है। हिसाब फंस रहा है। कहाँ फंस रहा है रे? आपने उस नए आदमी को भाड़े पे रखा ना, उसके पास से 200 रूपए लेकर इसे दे रहे हो, उसके बाद इसे 1000 दे 1500 दे ऐसा बोल के छीन लेते हो। वो खुद ही कड़की में जीता है, तुम्हें कहाँ से देगा? वो तो चुपचाप बैठा है, तू क्यों टांग अड़ा रहा है? मैंने ठीक बोला ना? क्या हाँ बोल रहा है बिना कुछ समझे? होमवर्क कर लिया है ना तुमने? सब सही से लिखना, कुछ भी गलत मत करना, ठीक है ना? भगवान रक्षा करना। क्या हो गया? अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? मेरी बहन को लग गया। इधर 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 बैठो बेटा। Are you okay? What is this? भगवान को मानो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिससे भगवान को भी दर्द हो। हॉस्पिटल किधर है? गलती से हो गया। हेलो, आसपास में कोई हॉस्पिटल है क्या? आप रहने दीजिए सर, मैं खुद लेके जाऊंगा। अरे बस, सुबह दुकान खोलने से पहले रोज रोज का ये काम हो गया है। हो गया, आ रहा हूं ना। उसका कपड़ा इसे नहीं मिलना चाहिए, इसका कपड़ा उसे नहीं मिलना चाहिए। एक क्वार्टर पीने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, हे भगवान। अरे मैया की मैया, बाप रे, वॉचमैन आवे के टाइम पे ये काहे बैठल बा? ए टेलर, टेलर उठाओ, जल्दी उठाओ। ए करो करो, क्या करते रहते हो? ए मुन्मा टेलर के दे। टेलर, तुम्हारे लिए फोन है। क्यों रे, कौन है? खोपड़ी का है? है वो तो यही है, क्या हुआ? फोन पे बात कर, फोन पे। यार उसकी बीवी है, कुछ राज की बात करनी है इसीलिए बुलाया है। फोन पर बात करो। क्या हुआ? शैलेश आने वाला है, हमार महरिया गेट पर बैठी हुई है। हे मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में हमारे आर्टिस्ट आ जाएंगे, नाटक शुरू कर देंगे, बस एक्शन बोल रहा है। किकरा से बात कर रहा है? मिस काल। का बोला था रे? टाइम पास कर रहे थे। तोरा नंबर मिलावे के चक्कर में कितना का फोन मिला दिए, हमरा के तो शरम आ रही है रे। हर वक्त कुड़कुड़ाते रहतिया। अरे अरे, वो आवाज सुनी, आवाज सुनी, किसने कांच फोड़ दिया? का भइल, का भइल, अरे बता ना।
जान बची। जैसे ही वो लोग अंदर गए उसके बाद ही ये आया, भांडा फूटते फूटते बच गया। आज के लिए ओके है। ये कौन हमरा कांच तोड़ा है? हे राम, गलती हो गई, गलती हो गई, भगवान माफ करना हमरा के। हम तो सुने थे कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे, अब लागत है सीता भी बांसुरी बजाने लगी। सुनिए जी, पैसा दो, पैसा दो भाई, पैसा तो दो। ए, पहले लोकेशन से तो बाहर आ। टाइम हो गया, पैसा दो ना। हाँ जल्दी, अरे हाँ जल्दी दो। अरे सर दे दो ना। हाँ, चलो, चलो। अरे कुछ तो दे जा। सर मैं शैलेश बोल रहा हूँ, नौकरी मिल गई सर, रूम भी मिल गया है। क्या कहा आपने? सर नौकरी नहीं करूंगा तो दिक्कत होगी ना, और मुझे हमेशा कहाँ करना है? वो गायब हुई चीज के मिलने तक ही तो करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है? लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हाय डैड। आ जा मेरे स्वीट रास्कल। लव यू डैड। ये क्या है? अरे अपने पास इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ढेर सारी कंपनियां हैं, तुझे तो अपनी कंपनी में ही एमडी बन जाना चाहिए। इसे छोड़ के तू बाहर की कंपनी में क्यों काम कर रहा है? अपनी कंपनी में वो चीज नहीं है। बाद में अपनी कंपनी में ज्वाइन हो जाऊंगा डैड। व्हाट अ सरप्राइज। शैलेश तू बैंगलोर में? सीबी कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं भी तो यहीं पे काम कर रहा हूँ। इज इट? बी एमबीए लंदन में जाके मास्टर सब किया, 10 लाख पगार में फॉरेन में काम करेगा सोचा था। बट बैक टू पेवेलिन। मुझे अपना ही देश पसंद है। जाओ मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। रात हो जाएगी। हाँ? मैं रुककर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। अरे तुम जाओ, मेरा रूम पास में ही है, मैं चल के चली जाऊंगी। इट्स ओके, चलो जाओ। बाय बाय। अरे रे मेरा बैग। अरे रे अब क्या करूं, चलो पर्स तो है कम से कम। अरे तुम लोग छोड़ो। देख देख जल्दी, देखो देखो जल्दी, देख जल्दी, हिला क्या। अरे देख होगा, यही कहीं होगा। बराबर से ढूंढ। नहीं मिल रहा। हेलो मैडम, व्हाट हैपेंड? रिलैक्स रिलैक्स। अरे नहीं मिल रहा। दिस पीपल टुक माय बैग। रियली? प्लीज गेट बैक फॉर मी। ओके कर रहा है, कुंफू कर रहा है, कुंफू कर रहा है। कोई की औलाद है ना? एक है और क्या? कराटे कर रहा है। कम लेट्स रन। अरे भाई पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो। हेलो बॉस बॉस, वेट वेट, व्हाट डू यू वांट? तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? यूलत्रा वंद टिकट दे, ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ತಂದು ಕೊಡು। ऐसा क्या? यू हैव इट? I don't have it right now. Oh, I see. आप में से किसी को हिंदी आती है क्या? क्यों? अगर चाहिए तो फोन नंबर दे देता हूँ, रात में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, फोन करके आके लेके जाइएगा। तू क्या अपने आप को हीरो समझता है? उसे कैसे हासिल करना हमको पता है। Yes!
जल्दी आवा हो, वो मुझे मारने वाली है। क्या हुआ? शैलेश के आवे का टाइम हो गया। हमार मेहरारू फिर से वही बैठी है, कैसे भी करके भगावा। उसको भगाना ही मेरा काम हो गया है। अरे तू क्यों नहीं भगाता है? तब तुम तो के बोला था ना, अरे शैलेश आने वाला है, कैसे भी करके सुलझावा। तू जल्दी कर टेलर। इस कॉलोनी में हर एक 10-10 रुपया देगा तो इस कॉलोनी में 1000 लोग रहते हैं। एक एक का 1000 × 10 रुपया कितना हुआ? 10,000। 10,000 छोड़ के 500 रुपए में बुला रहे हो, ये मुझे नहीं चलेगा। तुमको ये आइडिया देने वाला कौन है? ये है। अरे अंदर कुछ टूट गया, तुम्हें सुनाई दिया? कुछ नहीं सुनाई। अंदर चलोगे तब सुनाई देगा ना। चलो जल्दी चलो, आओ आओ। राम जी तोरा ई हालत। हैं? लगा था देख के लुढ़क गई ये। अरे बाप रे, एक पौवा के लालच में आदमी कहाँ से कहाँ बन जाता है। Can you please drop me to बाबूजी नगर? Oh yes, बैठे ना सिस्टर। Thank you. लेकिन टेढ़ा मत बैठना सिस्टर। हाँ। कहाँ से चलना है? Stop! मुझे इस एरिया में क्यों लेकर आए हो? शॉर्टकट है सिस्टर। नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर मुझे तो पसंद है। अरे छोड़ो मुझे, सिस्टर बोल रहे थे ना। तभी तो तू आई है। जिसे बहन कहता हूँ उससे आराम से पेश आता हूँ, और दीदी से हरामी की तरह। अरे ए, मुझे नहीं चाहिए। I don't want. कहाँ भाग रही है? मान जा। Why are you behaving like a devil? थोड़ी खूबसूरती पर इतना घमंड करते हो तुम लोग? मर्दों को पैर की धूल समझ कर रखा है। लिफ्ट देने के चक्कर में वो आंध्रा वाली लड़की रेनू उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी। कल मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा। कौन सा हॉस्पिटल? अरे सब लोग साइड हटो, डॉक्टर के आने का टाइम हो गया, हटो जाओ। हाय, हाउ आर यू नाउ? हाउ ब्रिलियंट यू आर। ये सब कैसे हो गया? वो मुझे देख ले इससे पहले यहाँ से निकल लेता हूँ। So these people are my relatives. Oh. They've come from Vijayawada. Okay, fine. Bye. Take care. Bye. उस दिन मुझे बचाने वाला यहाँ पर है। कहीं उन गुंडों ने तो इसे नहीं मारा? क्या आप यहाँ पर अकेले हैं? नहीं, डॉक्टर्स नर्स सब हैं, सब मुझे देख लेते हैं। अरे वो नहीं, मेरा मतलब आपके कोई रिलेटिव? वो ना, माँ और पापा गांव में, मैं वहाँ से कमाने के लिए यहाँ आया हूँ।
और लाइफ में सिंगल हूँ। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी आती हूँ, वन मिनट। अरे इसको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? Hey, what is this? It's okay. ये सब लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? It's all right, all right. मैं भी कोयंबटूर से हूँ। Oh. हिंदुस्तान कॉलेज से इंजीनियरिंग करके अभी बैंगलोर में ही एक बड़े आईटी कंपनी में काम कर रही हूँ। Oh. कहाँ पे? व्हाइटफील्ड। Oh, ठीक है, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, टीवी है ना, हमेशा साउथ की फिल्में देखता रहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपने घर में बैठा हूँ। ग्लास है क्या? ओ, थैंक यू। Please. आप पेशेंट हो, आपको पीना चाहिए। मैं पेशेंट हूँ मानता हूँ, बट आपकी पेशेंस बहुत पसंद आई मुझे, प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। वेलकम। है मेरा दिल बता दे संग, दिल मेरा था मुझसे हुआ है गाफिल, निगाहों में तेरी अदाओं में तेरी हुआ है गुमशुदा, गया जाने कहाँ, ढूंढू ढूंढू उसको अब मैं कहाँ, ढूंढू ढूंढू उसको अब मैं कहाँ, देखो देखो उसके नहीं है निशा, भोला भाला है दिल अब वो कहाँ, बता दे संग दिल कहाँ मेरा दिल, मेरा था मुझसे हुआ गाफिल, निगाहों में तेरी अदाओं में तेरी हुआ है गुमशुदा, हुआ है गुमशुदा। आशिक मिजाज ऐसे में दिल भला गुम क्यों ना होगा जनाब, सामने जब तू आई मदहोशियां सी छाई, तू जो मिली मैं महकने लगा, मैं तेरे संग में तेरे ही रंग में मेरा कदम भी बहकने लगा, ढूंढू उसको कहाँ, देखो 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 उसके निशान, ढूंढू 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 उसको कहाँ, भोला भाला वो दिल अब है कहाँ, बता दे संग दिल कहाँ मेरा दिल, मेरा था मुझसे हुआ
में तेरी अदाओं में तेरी हुआ है गुमशुदा, हुआ है गुमशुदा। प्यास और बढ़ गई तुम जो करीब आ गए, दो जवां जिस्म जब आपस में टकरा गए, बाहों में बाहें अनजानी राहें चलते रहे हम यूं ही सदा, सातों जन्म तक मरते दम तक हम सफर हर जन्म तू रहे। ढूंढू 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 उसको कहां, देखू 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 उसके निशान, ढूंढू 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 उसको कहां, भोला भाला वो दिल अब है कहां, बता दे संग दिल मेरा था मुझसे हुआ गाफिल, निगाहों में तेरी अदाओं में तेरी हुआ है गुमशुदा, हुआ है गुमशुदा। अरे बाप रे, दरवाजा खोला क्यों है, कौन हो सकता है अंदर? टेलर सर, टेलर सर, टेलर सर, क्या हुआ मैडम जी, क्या हुआ रूम में कोई? अरे बाप रे, ए टेलर है, जल्दी आवा, जल्दी आवा। क्या बे, का भाई, मेरा मतलब क्या हुआ? मैडम कह रही है कोई ऊपर है। हाँ? ये कैसे ऊपर, कौन हो सकता है? वो राम भरोसे हो सकता है। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, ये कुछ और बोल रहा है। कौन है वो? मैं कहता हूँ वो राम भरोसे नहीं है, उसकी आत्मा है। ये मुंह बंद करके नहीं रह सकता क्या? टेलर सर, ये क्या बोल रहे हो, ऐसी बातें मत करो, इतने दिन से मैं भूतिया घर में रह रही थी क्या? अरे मैडम, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, छोटी छोटी बातों से डरना क्या, आप भी ना फालतू में डरती रहती हो। फिर भी, अरे फिर भी क्या, अरे घर के अंदर मंदिर है, वहाँ तुम रोज पूजा करती हो, भगवान के रहते तुम बेकार में क्यों डर रही हो? रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, चुपचाप नहीं रह सकते। जाना मत, प्रेत आत्मा को जिन पसंद नहीं आते। अरे ये तो मैं बाद में देख लूंगा। सिक्योरिटी शैलेश, छोटे प्यारे राजा। अरे हाँ, अरे क्या हुआ? ओ फिर क्या कर रहे हो, छोड़ो ना इसे, ये क्या बदतमीजी है? अटेंशन छोटे, जस्ट मिस छोटे, मैं यहाँ आ गया, मेरा कोट नीचे गिर गया, लाकर दे दो। क्या, आपका, आपका कोट नीचे कैसे गिर गया? सवाल जवाब बाद में करना, पहले कोट निकाल कर दो। यार, मुझे काम पे जाने की जल्दी और आपने मुझे दूसरे काम पे लगा दिया। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, चलिए ना देख के आते हैं। अंदर ना जाओ, टेलर सब संभाल ले। हिंदी में बोलिए ना। अरे हिंदी में तो बोल रहा हूँ, वो अकेले सब संभाल लेगा। चलो चलते हैं। अरे डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं हूँ टेलर, टेलर, टेलर। पर आपका कोट? हाँ कोट। अरे बाप रे, हाँ वो कोट ना, मैं इतना स्पीड में गया कि कोट गिर गया, शुक्र है कि कोट के साथ मैं नहीं गिरा, मैं बच गया और मेरा कोट गिर गया। चलो, कोट गिर गया, ये कैसे? ये जानना जरूरी नहीं है। चले, चलो, चलो, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता है, आओ चलते हैं। चलो चलो, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। टेलर क्या है? उसको मैंने कहीं और भेज दिया, अब इसे छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ चलो चलो चलो, आओ मैडम, आओ ना, आओ।
देखो किचन में भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अंदर आके देखो, कोई दिख रहा है क्या? कोई नहीं है यहाँ। हम सब लोग है ना, आप क्यों डर रही हैं? अंदर आइए, आराम कर लीजिए। हैं, कोई नहीं है ना? हाँ, कुछ भी देख के डर जाएंगी तो कैसे चलेगा? हाँ, कुछ हुआ तो बुला लेना, भाग के आ जाऊंगा। ओके ना, ठीक है ना, बाय। अरे कल क्या होगा पता नहीं। छोटे, इसमें से कितनी बदबू आ रही है यार। इसे धुलवाने का टाइम नहीं मिलता है यार। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, वॉश करवा लूंगा। कहाँ जा रहा है? मेरा घर खुला हुआ है। अरे घर वाली है ना, बंद कर देगी। मेरा मतलब है कि बंद क्या भाई, अगर घर को खुला छोड़ा तो आप उसकी सफाई कर देंगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, ठीक है कर दी। ओके ओके। ए छोटे छोटे छोटे, अंदर कहाँ जा रहे हो यार? बैग लेने भी अंदर ना जाऊँ क्या? हाँ बैग ना, अरे वो तो मैं लेके आया हूँ। ये लो ये लो, यही बैग है ना? हाँ यार यही तो है। थैंक्स यार, सीढ़ी चढ़ने से बच गया मैं। ओके। हे भगवान, आज अगर ये दोनों मिल जाते तो मेरी लाइफ में ड्राई डे हो जाता। मैडम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं गई। हैं? क्यों नहीं गई? अरे ऐसे क्यों चौंक रहे हो? हाँ? आज ऑफिस में मेंटेनेंस है, इसलिए छुट्टी है। छुट्टी है? हे भगवान, इस छुट्टी के चक्कर में शैलेश आ जाएगा और मेरी पीने की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आओ मंदिर चलते हैं। मंदिर किस लिए? हाँ? किस लिए? कल क्या बोली और क्या किया? क्या बोला क्या किया? अरे सोचने का टाइम भी नहीं दे रही है। कल तू घर में आत्मा है बोल के डर रही थी ना, इसलिए मैं तुझे मंदिर लेके जाना चाहता हूँ। और तुम मुझे मना कर रही हो, आज तुम अगर मंदिर नहीं गई तो क्या होगा पता है? मैं काली माँ बोल रही हूँ। तुमने मंदिर में आने से क्यों मना किया? इससे गलती होगी, मुझे माफ कर दूंगा, मैं अभी आती हूँ। माँ का नाम लेते ही सब डरने लगते हैं। आजा मैं तुझे देख लेता हूँ। ये लड़की गई कहाँ? कहीं मंदिर तो नहीं चली गई? बहुत डरपोक है। ए, अरे 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 मुझे नहाने की आदत नहीं है और तू मुझे नहला रही हो। अरे भगवान को मानना चाहिए, लेकिन उनके नाम पे कभी किसी को डराना मत। ये मेरे फ्रेंड ने बोला था, आज पूरा दिन घर पे ही रहूंगी। काली माँ के नाम से डर गई थी, इस काले से भी डरना चाहिए था ना। अरे बाप रे, उसके आने का टाइम हो गया, अब मैं क्या करूँ? ये क्या भाई, इसमें पानी नहीं है और तुम 10 रुपए कह रहे हो? तो इतने पैसे में बकेट भर के दो क्या तुझे? चल जा। अरे छोड़ यार। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छे हो ना? एक नारियल पी लो सर। पी लो सर, प्यास लगी होगी सर। मैं आते वक्त लेके जाऊंगा। ओके सर, ठीक है सर। ये क्या दरवाजा खुला है? ये टावर सर है। सुपर स्टार मैंने सुना था, पावर स्टार मैंने सुना था, पर आज तक टावर स्टार नहीं सुना मैंने। स्टार नहीं रे सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। टावर लगाने के लिए जगह ढूंढने आए थे। टावर लेकर आए हैं का? कौन जगह रखोगे? मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? वो चलेगा क्या? हम लेके आवत है। वैसे आप थोड़े अजीब दिख रहे हैं मुझे। ऐसे सिचुएशन में सब ऐसे ही दिखेगा। रहने दो रहने दो। नहीं सर, एक्चुअली ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है। इन माय रूम कोई लेडी वहाँ पे घूम रही है। I'm sorry, I don't understand, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे रूम में वो कौन हो सकती है? रूम के अंदर कोई भूत आत्मा नहीं रहती है। बीच में टपक टपक के क्यों बोल रहा है भाई? मैंने ना बोला ना, हाँ थोड़ी ना बोला। हाँ बोलता हूँ तब भी आप मुझे डांटते हो, ना बोल रहा हूँ तो भी डांट रहे हो, अब हम कुछ ना बोला। अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो? माँ देखो दीदी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। वो तो बहुत गुस्से में आ रही है, अगर ये सब कुछ सच बता देगी तो हम दोनों के पीने के वादे हो जाएंगे। चलो यहाँ से जल्दी। क्या वो सर इतना परेशान? कहने की सिचुएशन ऐसा है। हेलो मिस्टर शैलेश, व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ पर कैसे? इसी एरिया में रहते हो क्या? एक्चुअली मैं यहीं पे रहता हूँ। यहीं पे रहता हूँ। वहाँ से देखेंगे तो मेरा घर दिखता है बोल रहे हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके देन। वैसे आप यहाँ पर कैसे? वो मैं, दिस इज माय हाउस। यहाँ पर? आप भी? What do you mean? आप अकेले रहती हो क्या? I'm staying alone here. ओह अच्छा। So अब मिल ही गए हो तो एक कप चाय पी के जाओ। ओके। एडजस्ट कर, एडजस्ट कर। प्लीज कम। ये जादू कैसे हो गया? तुम दोनों की बात लगने वाली है। अंदर आओ ना। यहाँ पर हम तीन लोग रहते थे,
एक का पुणे में ट्रांसफर हो गया और एक का बैंगलोर में। तुम ग्रीन टी पियोगे ना? जो भी आपको पसंद हो। ओके, व्हाट अबाउट द शुगर? जितना चाहिए उतना डाल दीजिए। ओके। हे भगवान, इस घर में एक जवान लड़की रह रही है और फिर भी मुझे भाड़े पे दे दिया, फंसा दिया है मुझे। ये बातें ये जान के कर रही है या बिना जाने कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहां पे खत्म होगा? अरे अरे, मैंने तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया। ट्रिपर में कहां रहते हो? अब 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 जॉकी नाइट्स। क्या कहा? 22 अविनाश कॉलोनी, अविनाश रोड, पीरियर कॉलोनी। किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? कुछ आवाज क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी, ये पॉकेट में क्या रख रहे हो? बाहर आओ, यहाँ आओ। मैं सब कुछ देख रही थी, पहले उसे बाहर निकालो, मुझे देखना है। नहीं। देखिए, छुपाइए मत मिस्टर सैलेश, मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसी अजीब बीमारी होती है, इसका इलाज संभव है, डोंट वरी। आपने क्या लिया है मुझे दिखाइए, मैं आपको बिल्कुल वैसा ही नया खरीद के दे दूंगी। नहीं, ये नया ही है। व्हाट? नहीं, एक बार यूज कर चुका हूँ। क्या कहा? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या लिया है मुझे दिखाओ। कम ऑन फास्ट। ये किसका है? ये मेरे रूम पे कैसे आया? ये मेरा है। क्या कहा? ये मेरे रूम पे कैसे आया? सॉरी जी, एक्चुअली उस दिन क्या हुआ पता है? वो अपना टेलर। अब एक्चुअली ये मेरी गलती नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। अब टेलर आया। मुझे समझते क्या हो तुम लोग? बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ, और मेरे कमरे पे तुमने एक लड़के को रखा है? पुलिस में तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, पकड़ के ले जाएंगे, और जब मारेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। ए, अगर अपने पापा को बता दिया ना तो यही शूट कर देंगे। Get out! Hello, come this side. हाँ मैडम। तुझे नहीं बोला, चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। आज के बाद से मॉर्निंग इवनिंग मैं खुद ही ग्रीन टी बना के दूंगी, आप यहाँ रह सकते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। वो अंडरवियर था पता ही नहीं था। दिखाओ दिखाओ बोल रही थी। आँखों में बाहों में सांसों में मुझको भर ले, जिस्म की आग में भस्म तू खुद को कर ले। इधर उधर ना देख मुनिया, लाखों में है एक जलवा, आ मेरे सीने से तू लग जा। हम भी कोई कम नहीं है, ये न समझो दम नहीं है, इश्क में ना पीछे रहूंगा। आँखों में बाहों में सांसों में मुझको भर ले, जिस्म की आग में भस्म तू मुझको कर ले। दिलदार हूँ मैं, यकीन ना हो तो कभी आजमा लेना। तुझको ही चाहूंगा, दूर ना जाऊंगा, इश्क में तेरे मैं दे दूंगा ये जान। तौबा तेरी बातें तरसाए दिन राते, मुझ पे छाए तेरा नशा। शा, 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 शा।
दिल है तेरा दीवाना, मेरा दिल है मस्ताना, मुझको प्यारी तेरी हर अदा। एक पल भी दूर ना जाऊं, यूं ही तेरे पास आऊं, छाए मुझ पे तेरी ही दीवानगी। एक दूजे में समा जाए, सांसों में घुल मिल जाए, रहना पाए एक पल भी होके जुदा। पानी जो बरसा है मन मेरा तरसा है, अब बुझा दे अग्नि में प्यासी हूँ। मैं लिपट जाऊंगा और सिमट जाऊंगा, सीने में दिल के जैसा आ, आ, आ। बारिश की इन बूंदों ने धड़कन और बढ़ाई है, लेकिन तू हर जाई जाने ना। तेरी चाहत जान गया मैं, तुझको पहचान गया मैं, मेरा भी दिल है दीवाना तेरा। भीगा सा बदन में जा, दहका दहका तन में जा, आजा मेरे राजा अब मुझ में समा। रहना कोई मजबूरी, आ मिटा दे सब दूरी, मेरी जा मोहब्बत की ये है सदा। आँखों में बाहों में सांसों में मुझको भर ले, जिस्म की आग में भस्म तू खुद को कर ले। इधर उधर ना देख मुनिया, लाखों में है एक जलवा, आ मेरे सीने से तू लग जा। हम भी कोई कम नहीं है, ये न समझो दम नहीं है, इश्क में ना पीछे रहूंगा। आँखों में बाहों में सांसों में मुझको भर ले, जिस्म की आग में भस्म तू खुद को कर ले। क्यों सैलेश, तुमने तो इतनी पढ़ाई की है, तुम्हें तो फॉरेन में जॉब करनी चाहिए ना। मैं फॉरेन बहुत गया हूँ, लेकिन मुझे अपनी इंडिया बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं बैंगलोर में थोड़े ही दिन रहूँगा, उसके बाद ट्रांसफर लेके मैं तमिलनाडु चला जाऊँगा। कुछ भी हो, अपना गाँव ही सबसे अच्छा है। मैं भी वैसे ही हूँ, तुम तो मेरे जैसी बातें करते हो। तुम्हें पिक करने के लिए कैब नहीं आता क्या? जब तुम्हें नहीं आता तो मुझे कैसे आएगा। मैं तो बस बी ही हूँ, लेकिन तुमने तो बी एमटेक तक किया है, लंदन रिटर्न भी हो, बहुत पढ़ाई की है तुमने। एक्चुअली पिकअप कैब आएगी तो प्राइवेसी नहीं होगी, और ऐसे काम खत्म करके कहीं भी घूम सकता हूँ, कोई भी लफड़ा नहीं होगा। Hey Siri, कैसा है यार? Hey dude, what's up man? ये मेरा friend Siri. I know him. Oh, कैसे? मैंने आप दोनों को बात करते देखा था। Oh, ऐसा है क्या? Okay dude, see you later. See you later. Bye. 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 सैलेश इसी ऑफिस में काम करता है, मैं अभी उसके सामने जाकर उसे सरप्राइज देती हूँ। ये सब जरूरी है क्या दीदी? वो सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तुम रिसेप्शन पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। Excuse me. Yes, ma'am. Can I meet HRO here? Sir? Okay, carry on. Good morning, sir. Yes. Can I meet Sailesh Kumar Sharma? Which department? Actually, sir, I forgot. Suno, inki help karo. Yes, sir. Sir, aap Hindi bolte hai kya? Sir, meri jinse shaadi hone wali hai, wo yahan par kaam karte hai, bataya tha. Wo sach bol rahe hai ya jhoot, yahi janna hai na? Aisa nahi hai, sir. No, no, you are right. Ye janna tumhara haq hai, taki baat mein koi gadbad na ho. Take your seat. Thank you, sir. पूरे स्टाफ की लिस्ट दिखाता हूँ। क्या नाम बताया था? गोपिका सर। गोपिका, क्या कहा? सॉरी, सैलेश कुमार शर्मा। ये है क्या? ये है? अच्छा, ये भी नहीं?
ये देखिए, और ये 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 भी नहीं। अरे बाप रे, ये भी नहीं। कमाल की बात है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। नो। आप श्योर है कि कोई भी नहीं है? कोई नहीं है सर। तीन लोग और बाकी हैं, यहाँ के सिक्योरिटीज। पीछे वाली फोटो दिखाइए। क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हुआ? क्या बताऊं मैं तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। मुझे सच्चाई पता नहीं थी तो मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा। हाय, कैसी हो? अभी शैलिश। शैलिश? Who's that शैलिश? I don't know. All men are same. अरे इसकी तो बेकार में सुनना पड़ा। अब क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तुम्हारी मेरे जैसी और कितने लोगों से दोस्ती है? बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, लेकिन क्लोज दोस्ती सिर्फ तुम्ही से है। तुम्ही से खुल के बात किया और तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। यही डायलॉग पता नहीं कितनी लड़कियों को बोला होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और कैसी बातें करूं मैं? और कैसी बातें करूं मैं? रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें जानने के लिए मैंने खुद को ये वक्त नहीं दिया, इसलिए। उसमें गलती क्या है? I don't understand. I understand. You're a fraud, cheat, culprit. I hate you. गांव-गांव में जाके मेरे जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाकर फायदा उठाते हो। I am not ready for this nonsense. Stop it. This is too much. तुम तो केवल कंपनी में एक सिक्योरिटी हो, आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ ऐसा बोल के मुझे बेवकूफ बना रहा, ये तुम्हारे लिए धोखा नहीं है क्या? hey, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई है। एक्चुअली पता है हुआ क्या? I don't want any explanation. इसके बाद मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना, और मेरे रूम में रह भी नहीं सकते। Get lost. मैडम गोपिका, शैलेश के लिए कुरियर आया है। वो आदमी आएगा तो उसे ही दे देना। अपने घर का एड्रेस ना देकर उसने टेलर का एड्रेस क्यों दिया? Something is fishy. क्या है देखती हूँ। टेलर भाई दे दीजिए, मैं दे दूंगी। ये लो। अब्दुल सलीम, ये कौन हो सकता है? माय डियर स्टूडेंट शैलेश के लिए मैं टीचर अब्दुल सलीम लिख रहा हूँ। अल्लाह के रहम से मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तेरा स्कूल मार्कशीट और कॉलेज मार्कशीट जो कि एयरपोर्ट पे गुम हो गया था वो मिल चुका है, उसे मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। मुझे मदद करने की इच्छा से तूने पढ़ाई की, वो पढ़ाई और डिग्री भूल के बिना शर्म के तूने सिक्योरिटी का काम किया और एक बेटे की तरह तूने मेरी मदद की। उसने सच कहा था, मैंने ही गलत समझ लिया। मेरी ही गलती है, ऐसा मैंने क्यों सोच लिया? क्या बात है मैडम? शैलेश यहाँ आया था क्या? शैलेश यहाँ क्या कर रही हो दीदी? शैलेश को ढूंढ रही हूँ। अभी तो मैंने उसे नागर रोड पर जाते हुए देखा। तुम बैठो ना, मैं लेकर चलता हूँ। शैलेश शैलेश रुक जा रुक जा।
वो गोपिका ना तुझे ढूंढ रही थी यार, उसे देखा वो बहुत रो रही थी यार। हाँ यार, वो तुझे ढूंढ रही थी। मैंने उसे बोला कि वो बस स्टैंड के नारियल की दुकान के आसपास ही होगा। गोपिका यहाँ पे आई थी क्या? हाँ आई थी, एक बाइक वाले के साथ चली गई वो। सर उस लड़के का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था मुझे, और वो उसे जहाँ लेकर गया ना वो जगह बहुत बुरी है। वो यही आएगा कह रहा था। आओ ना दीदी आओ। कहाँ है? आ जाएगा। हे हे, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे? तुम्हें सैलेश से बहुत प्यार है ना? हाँ बहुत है। उसे भूल जाओ तुम, मैं उसे पसंद नहीं करता। क्यों क्या हुआ? उस दिन तुम उसके कंपनी में गई थी और वापस लौटने पर तुम रो रही थी, उसने तुम्हें रुलाया। नहीं नहीं, वो अच्छा आदमी है। मैंने ही उसे समझने में देर कर दी। नो 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 नो, तुमने बिल्कुल सही किया है। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। यहां से शुरू नहीं करना है तो यहाँ से शुरू करते हैं। दीदी दीदी बुलाता था ना? हाँ, दीपिका को दीपी बुलाया, मोनिका को मोनी बुलाया, और तुझे प्यार से दीदी कहते तेरे आगे पीछे घूमता रहा मैं। ए, मैंने तुझे दिल से कभी कभी भी दीदी समझा ही नहीं है। मेरे लिए तू सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत है, प्यास बुझाने की। ए, तेरी तो सीधी तरह मान जा वरना जान से जाएगी। ए, ए, तेरी ए, 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 रुक। अरे क्या करे? रुक! अरे बाप रे! सैलेश, ये क्या हो गया सैलेश? वो मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा था, मैंने भी गुस्से में मार दिया। अरे ये क्या हो गया सैलेश? डरो मत, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। रुको, लगता है मर गया। फिर उसे ये बता दूंगा तो वो डर जाएगी। अभी को कुछ नहीं हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है, तुम घर जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके आता हूँ। ठीक है? ये क्या हो गया साले? अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो घर चलते हैं हम लोग। बस ये तो देवराज का बेटा है। हाँ वही है। ए कांस्टेबल, ये सब कैसे हुआ? कोई इसे गोली मारकर भाग गया है सर। अनुप। यस सर। बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करो। ओके सर। आइए सर। सर नमस्ते सर। क्या हुआ मेरे बेटे को? सर आप इस तरफ आइए, मैं बताता हूँ। मुझे देखने दो। सर आइए ना सर, आई वांट टू सी माय सन। सर 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 प्लीज सर, सर एक बार सर। अरविंद
इंस्पेक्टर, अरे मेरा बेटा, किसने मारा मेरे बेटे को? सर हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। ए इसरो, कम हियर। यस सर। शहर में नाकाबंदी कर दो। जी सर। सर हम लोग है ना, आप टेंशन मत लीजिए। सर 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 सर, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं जाके बताता हूँ ना क्या हुआ, तुम परेशान मत हो। अरे सर 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 प्लीज छोड़िए मुझे। सर ये पुलिस कस्टडी में है, अभी कुछ भी करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, आप चलिए मेरे साथ प्लीज। आप इसे क्यों मार रहे हैं? लिफ्ट देने के चक्कर में कई लड़कियों के साथ बलात्कार करता था और उन्हें टॉर्चर करके मार डालता था। बैंगलोर सिटी में 16 केस हैं उसके ऊपर। आपको पता नहीं है क्या, आप क्यों मार रहे हैं इसे? तो मैं मारूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? उसको सजा देने के लिए कोर्ट है ना, तुम रिलैक्स हो जाओ। ओके रिलैक्स। आइए सर, इसको अंदर लेके जाओ। सर प्लीज, ये कहीं नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं सर। ओके ओके ओके, घर आ जाओ। हाँ चलिए सर। मेरे बेटे को मारने वाला मुझे चाहिए, मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। सर आप समझने की कोशिश कीजिए सर, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपका रुतबा है, आप इस शहर के एमपी हैं सर, सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। कानून के अंदर तो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर मैं उसका एनकाउंटर कर देता हूँ, एनकाउंटर की आप परमिशन दे दीजिए। जैसा आप ठीक समझे सर। संजीव। सर सर खत्म कर देता हूं मैं। मिस्टर यशवंत, या जैसा आपने कहा था 100% राइट है, उस लड़के को तो एनकाउंटर में खत्म कर देना चाहिए। एनकाउंटर करने की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूं। हा? यस, आप उसे कोर्ट में लेकर जाओ, लेकिन असलियत में कोर्ट में मत जाओ। बस आप मुझे 4 बजे फोन कर देना। ओके okay. उस वक्त मैं आजी साहब के साथ मीटिंग में होऊंगा। आप मुझे फोन में बोलिएगा कि लड़का कोर्ट जाने के रास्ते में भागने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया और गोली लगते ही स्पॉट में उसकी डेथ हो गई। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा ना। मिस्टर यशवंत, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो जाएगी। बट सिटी के रास्ते में कैसे शूट करेंगे? अरे यशवंत, कोर्ट जाने के रास्ते में एक बिल्डिंग पड़ती है ना, वहाँ से स्ट्रेट जाना, वहाँ एक खंडहर मिलेगा, वहाँ जाकर ढिशकाए काम खत्म। ये बात है, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। कैलाश। चल जा, चल। भाग। किस तरफ सर? जिस तरफ तेरी इच्छा हो, फिर से कर्नाटक की तरफ लौट कर मत आना। उस लड़के को तूने मारा इसीलिए मेरी तरफ से यह तोहफा है, तू भाग जा। सर उस लड़के के मरने का कारण मैं आपको, चाहे जिस कारण से वो मरा हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुझे बच के जाने दे रहा हूं, उसका सिर्फ एक ही कारण है।
हेलो, एक्सक्यूज मी सर। ए, कैसे हो यार? ये यही है ना वो, इसी लड़की का तूने न्यूड फोटो मुझे फॉरवर्ड किया था ना। ए, ए, तू निकल यहाँ से। रुको, क्या बोला इसने? अरे ये पागल है, चलो हम चलते हैं। कौन पागल है? इसकी नंगी फोटो तूने मुझे फॉरवर्ड की थी। मैडम ये देखो अपनी फोटो। हटाओ इसे, मुझे नहीं देखना। ऐसी गंदी फोटो खींचता है और दीदी बोलता है। अरे क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये गलत है। तेरी तो मत करो ऐसा। थोड़ी खूबसूरत पैदा हो क्या गई? मुझे बेइज्जत करेगी, मेरे फ्रेंड के सामने मारेगी मुझे। तेरी तो तू आई ना, तुम इतनी गंदी तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? तू मुझे मशवरा दे रही है? मेरी माँ को मैंने माँ नहीं बुलाया, मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, उस कमीने ने उसे मार डाला। स्कॉटलैंड पुलिस की बराबरी देते थे मुझे, और ऐसा पुलिस वाला अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया और वो आजाद घूमता रहा। कानून में रहने वाले छेद से वो निकल गया, और उसी कानून के छेद के सहारे मैं आज तुम्हें निकलने दे रहा हूं। उसकी वजह से बेरहमी से मरने वाली लड़कियों की तरफ से मैं तुम्हें यह तोहफा दे रहा हूं। जाओ। सर मुझे छोड़ने की वजह से अगर कहीं आप फंस गए तो? गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई गांधी हूं क्या? एक साधारण बाप हूं, जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम जाओ। जैसे सैलेश की जान तो बच गई, वो इस गांव में है पता चलने के बाद। फिर से अरविंद के पापा की वजह से सैलेश की जान खतरे में आ गई। नमस्ते बेटा। नमस्ते। सैलेश और तुम्हारे बीच की दोस्ती के बारे में मुझे पता है बेटा। उस देवराज की वजह से सैलेश की जान फिर से खतरे में आ गई है। क्या बोल रहे हो सर? जहाँ वो है उसकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तुम वहां जाकर उसको बोलो वो आंध्रा जाए, केरला जाए, महाराष्ट्र जाए, पर वहां ना रहे। तुम और शैलेश शादी कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, जरूर। इंस्पेक्टर का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन मैं उसे बताने गई थी। तो आप गोपिका कहाँ हैं? तमिलनाडु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कर्नाटका पुलिस के हाथों इनकाउंटर में मारा गया। शैलेश को इनकाउंटर में पुलिस ने गोली मार दी। ये खबर सुनने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। तुमने बताया नहीं गोपिका कहाँ है? ए शैलेश कहाँ है? शैलेश कहाँ है? शैलेश बता बता मुझे। शैलेश कहाँ है? वो भाग रही है। ए कहाँ है शैलेश? बताना यार, तुझे अकेले में क्या बात करनी थी, बोलना। क्या हुआ बताना यार, क्या बात है? अरे वो है ना। हे, तू मालिक की बेटी से प्यार करता है मैं जानता हूँ, और तेरे प्यार को भी मैंने ही मिलाया, तो इस तरह इन सारे लफड़ों का कारण मैं ही हूँ। तेरी शादी में कोई दिक्कत ना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। क्या बकरा है तू? मरने वाला है क्या? मरने वाले लोग ही वापस नहीं आते। मैं मरूंगा नहीं यार, लेकिन मुझे मार दिया जाएगा। क्या बात कर रहा है? मेरे पास भी है। अगर तू
मेरे साथ रहेगा ना तो शादी बहुत अच्छे से होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे गन कहाँ से मिली? कहाँ से ले आया इसे? वही बताने के लिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। इसमें 6 गोली हैं। तू चलाएगा तो 1 गोली खर्च होगी, मैं चलाऊंगा तो 5 गोली। एक तो तू, दूसरी मेरी बेटी, तीसरी गोली बीवी के लिए, चौथी गोली उसके लिए जो तुझे भाई भाई बोलकर तेरे पीछे आता है, पांचवी गोली मेरे लिए, छठी किसके लिए तुझे पता है? मैं कोई मिलिट्री में 10 साल काम करके नहीं आया हूँ, मेरा निशाना नहीं चूकेगा। ए चलाऊंगा तो कम से कम 1 गोली तो तुझे लगेगी ही ना। मेरा भाई मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा है, बीवी को भी चैन से रहने नहीं दे रहा है, मेरी बेटी को भी चैन से रहने नहीं दे रहा। उसे तू मारेगा या जाके मैं मारूं, इस बंदूक को मैं घुमाता हूं। तेरी तरफ रुकेगा तो तू, मेरी तरफ रुकेगा तो मैं। अपने मालिक का नाम बचाने के लिए बंदूक लेकर आया हूं, लेकिन इसे चलाते कैसे नहीं जानता। वैसे तेरे हाथ में ये बंदूक कैसे आई? ये बंदूक जिस घर से तुझे मिली है उसी घर से मुझे भी ये बंदूक मिली। अरे अरे ये क्या कर रही है मैडम, उठ जाइए ना प्लीज, उठ जाइए। बेटा बेटा मुझे गलत मत समझो बेटा, कैसे भी करके तुम मरने ही वाले हो, पुलिस वाले तुम्हें मार देंगे, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम्हारी मौत एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उस लड़के को जेल भेजने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें उन लोगों को मारना ही होगा, मारना ही होगा बेटे, मारना ही होगा। आप किसको बोल रही हैं? मेरे पति के पार्टनर को। क्या? उसकी वजह से होने वाली बेइज्जती कम नहीं है। ये लो बेटे। आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। तुम्हारी गोपिका को 5 गुंडे तुम्हारी वजह से परेशान कर रहे हैं। गोपिका, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? बेंगलोर में आप दोनों एक साथ एक घर में रहते थे ना, वही गोपिका। बस स्टैंड पे तुम्हारे साथ बात कर रही थी ना, वही। वो नहीं हो सकती, मैं उसकी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अरे इनकाउंटर में तुम मर गए हो, ये खबर पेपर में देख के उसने आत्महत्या करने की कोशिश की पर लोगों ने उसे बचा लिया। उसमें उसका चेहरा खराब हो गया और आवाज भी बिगड़ गई। अभी वो कहाँ है? मैं तो बच के आ गई, वो लोग उसे ले गए। अरे त्रिशा मुझे उतार देना। आदमी होके गुंडों से पिट गए और मुझे उतारने के लिए कह रहे हो? त्रिशा हे फिल्मों की तरह डायलॉग मत मारो। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा प्लान बना दिया है, उसे मार कर ही दम लूंगा। Yeah!
शैलेश पहुंच जाओ यहां से, ये तुम्हें मार देगा। गोपिका जरा पीछे तो देख। जल्दी में कोई गलत फैसला मत लीजिए, तुम्हारे बेटे की मौत में इनका कोई हाथ नहीं है। मेहरबानी करके इन्हें मत मारिए प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे भाई से बहुत सही लड़की मिली है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? फिर से लटकना है क्या? कौन है ये लोग? ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये हमेशा ऐसे ही करता रहता है।